मेरा मकान
जो
जय जय राधा कृष्ण।
प्रणमामि हरि प्रिय भक्त्याभिहीन अपराध लक्ष्य क्षिप्तासि कामादि तरंग मध्ये कृपा मयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ छय गोसाई करी चरण बंदन जाहा हित विघ्न नाश अभीष्ट पुराण तमादि देवम करुणानिदानम तमालवर्णम सुहृदावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतम स्वरूप जंग प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम द्वैपायन विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतयातर वोभिनेदुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तुस्मि। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठाकर बोलो बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद श्रोदर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद श्रोदर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्री लो नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे भगवान कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए हैं। यहाँ पर प्रश्न होता है भगवान तो अजन्मा है। कृष्ण गीता में खुद कहते हैं बोले हे अर्जुन बोले अजोपि सर्ण अपयात्मा भूतानापि ईश्वरपि सर्ण प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। बोले हे अर्जुन मेरा जन्म नहीं है मैं अजन्मा हूँ लेकिन अजन्मा होते हुए भी मैं जन्म लेता हूँ। साधारण लोग कहते हैं ना अरे हम भी जैसे जन्म लिए भगवान कृष्ण राम भी तो वैसे जन्म हो गए। बोले नहीं इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं जन्म कर्म च दिव्यम एवं जह व्यति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मम नयति मामेति से अर्जुन। बोले हे अर्जुन मेरा जो जन्म कर्म ये अपराकृत दिव्य ये औलभ्य है। अगर तत्वतः ये चीज को कोई समझ जाए तो शरीर छोड़ने का बाद फिर जगत में दो बार जन्म नहीं लेता है। अभी यहाँ प्रश्न होता है फिर भगवान अजन्मा होकर के फिर जन्म क्यों। इसी विषय पर हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे संत लोग तरह तरह का कारण बताते हैं। कम से कम 10-15 कारण बताए। आज आपको मैं 10 कारण बताऊंगा भगवान अजन्मा होते हुए भी क्यों जन्म लिए फिर कल आपसे सुनूंगा देखूंगा मेरे को कौन बोल पाता है जो बोलेगा उसको मैं इनाम।
इसलिए ध्यान से सुनो क्यों भगवान जन्म हुए। उसमें कुछ साधारण कारण है और कुछ विशेष कारण है। बोले साधारण क्या कारण है? बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जब जब इस जगत में धर्म की हानि होने लगता है, गो ब्राह्मण पृथ्वी संतों को पर में अत्याचार होता है, उसी समय में जगत में अवतीर्ण होकर के धर्मों को रक्षा करता हूँ, दुष्टों को विनाश करता हूँ और संतों को मैं रक्षा करता हूँ। कभी ये पहला कारण है। बोले दूसरा कारण क्या है? बोले अनुग्रहाय भक्तानां करोमि विविध क्रिया। बोले मैं भक्तों को ऊपर में अनुग्रह करने के लिए जन्म लेता हूँ। जैसे कल अगर भगवान जन्म नहीं लेते, कल जो हम लोग बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, फिर क्या हम जब जन्म उत्सव मनाते हैं? आज जो ठाकुर जी की बड़ी सुंदर सुंदर लीला कथा सुने, अगर भगवान जन्म नहीं लेते तो क्या हम सुन सकते थे? भगवान जन्म भी है तभी तो हमारी कथा सुन रहे हैं, जन्मोत्सव मनाने रहे हैं। किसी तरह से ये भटकते हुए मन को हम ठाकुर जी के चरण में लगा रहे। इसलिए भगवान कहते हैं मैं भक्तों को पर में कृपा करने के लिए जगत में अवतीर्ण होता हूँ। कहते ये दूसरा कारण है। बोले तीसरा कारण क्या है? जब भगवान देवकी वसुदेव का चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, देवकी वसुदेव बोले प्रभु आपको तो हम पुत्र रूप में प्रार्थना की थी, आप तो 16 साल के घुंघराली केश शंख चक्र गदा पद्म चमकीले चमकीले वस्त्र पहन करके आए हो। भगवान ने बोले देवकी वसुदेव पूर्व जन्म में तुम दोनों कृष्णी और सुतपा थे, पेड़ से जो पत्ता गिर जाता था उसको सूखे पत्ते को खा खा करके 10,000 साल तुम दोनों ने तपस्या की। मैंने कहा वर मांगो। बोले आप जैसे मेरे को एक बेटा चाहिए। भगवान बोले मैं तो असमर्थ तत्व हूँ, जिसको वेद कहता है न तत् समस्या अधिकस्य दृश्यते। भगवान से बड़े की बात छोड़ दो, भगवान की बराबर भी जगत में कोई नहीं है। ठीक है मैं ही तुम्हारी पुत्र बन करके आ जाऊंगा। बताओ तो कितना कारण हुआ? हम लोग कोई कथा नहीं सुन रहे, कौन कैसे साड़ी पहन करके आ रहे सब देख रहे। ठीक से ध्यान देकर सुनो कितना कारण हो गया, कौन सुन रहे हैं? तीन कारण हो गया, ध्यान देकर सुनो। इसलिए चौथा कारण बताए पृष्ठ कहते द्रोण और धरा, ये भी दोनों राजा रानी थे, ये दोनों भी पितामह ब्रह्मा जी का आराधना की। ब्रह्मा जब संतुष्ट हो गए बोले बताओ क्या चाहिए? बोले प्रभु जैसे स्वाभाविक रूप में एक बच्चा माँ की कोख से जन्म लेता है, हमारी गर्भ से आप जन्म लो, आपको भी हम पल्ले में झुलाना चाहते हैं, आपको अंगुल पकड़ करके ठुमुक ठुमुक करके चलाना सिखाता चाहती हैं। अगर कभी आप कभी हैं कभी आप उत्पटांग करेंगे नटखट करेंगे जैसे पिता माता शासन करते हैं, हम भी आपको ऐसे ही शासन करना चाहते हैं। भगवान बोले कोई बात नहीं मैं आ जाऊंगा। इसलिए वही श्री नंद यशोदा में तदात्म होकर के मिल करके आए और अनुसंग रूप में उन्होंने भी बात्सल रस को आस्वादन किया। ये चौथा कारण हो गया। बोले पंचमा कारण है, जब भगवान राम लक्ष्मण सीता वनवास में गए थे, सुपर्णखा देख करके प्रभु का रूप तो बड़ी मुक्त हो गई, बड़ी सुंदर बन करके आई। बोले प्रभु मैं जितने सुंदर हूँ ठाकुर जी तुम्हें भी इतना सुंदर बनाएगा, इसलिए मेरे से शादी कर लो। भगवान राम बोले ये ऑलरेडी मेरी सीता है। बोले इसमें क्या रखा हुआ है? तो बोले हाडी हाडी ये क्या, देखो मैं कितने सुंदर हूँ। बोले नहीं मैं एक पत्नी को छोड़ करके और किसको मैं शादी नहीं कर सकती कर सकता हूँ। इतने में लक्ष्मण गए थे लकड़ी लेने के लिए, जब लक्ष्मण लकड़ी लेकर के आए बोले ये कौन है? बोले ये मेरे छोटे भाई है। बोले ये भी तो कम सुंदर है, इससे मैं बोलूं शादी करने के लिए? बोले तेरे जैसे मनमान को कौन मना कर सकते, पूछ करके देख ले।
बोले लक्ष्मण तू मेरे से शादी कर ले। बोले मैंने देखा तुम बड़े भाई से कुछ बोल रही थी। बोले वो मेरे प्रेम को समझा नहीं, तू मेरे प्रेम को समझोगे। लक्ष्मण बोले ये बताओ तुम दासी बनना चाहती हो ना राजरानी? राजरानी। बोले मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, मेरे से शादी करोगे ना सेवा करते करते थक जाओगी, कहाँ रानी बनने की स्वप्न देख रहे हो, जाओ प्रभु राम के पास भी जाओ। फिर प्रभु राम ने इनकार कर दिया। इतने में सुपर्ण का अपना स्वरूप में आ गई। बोले पता है मैं कौन हूँ? प्रार्थना करने वाले में नहीं हूँ मैं, रावण का मैं बहनी हूँ, ये सीता जितने गड़बड़ी करने वाले इसको मैं खा जाती हूँ। जब असली स्वरूप में आकर के सीता को आक्रमण करने के लिए चाहा, भगवान राम लक्ष्मण का आदेश दिया इसके नाक कान काट दो। अब यहाँ प्रश्न है भैया शादी नहीं करना तो नहीं करना, स्त्री के नाक कान क्यों कटवा दे? यदि जो लक्ष्मण ये गुरु जी है, गुरु का काम है ये जीव को परमात्मा के साथ में भगवान से मिलाए। लक्ष्मण समझ गए इसने ऑलरेडी प्रभु जी के हृदय में बैठा चुकी है और भगवान भाव ग्राही जनार्दन, भगवान सभी भाव को ग्रहण करने वाले। इसलिए एक स्त्री जितने सुंदरी क्यों नहीं हो उसकी नाक कान काट दो, बताओ दुनिया में उसको कोई पूछेगा शादी कैसे कर देगा? बोले तो राम की ही बन करके रहो और किसी की बन करके नहीं। फिर वही सुपन था रामावतार में, फिर कुबड़ी कुब्जा बन करके आती हैं और भगवान कृष्ण हमारे कृष्ण उसको ग्रहण करते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले भगवान राम सुपर्णखा को स्वीकार क्यों नहीं किया? बोले जो सीता है, सीता कौन है? ये लक्ष्मी है। कहते राधिकार दासी जदि हाय अभिमान, शीघ्र मिलाए तब गोकुल का। भगवान कब मिलते हैं? जब तक सीता जी की, जब तक श्री राधा जी की कृपा नहीं हो ना कृष्ण को कोई प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए राधा जी की सीता जी की कृपा हो तभी ठाकुर मिलेंगे। लेकिन ये क्या कर रहे थे? सीता जी को अलग कर रहे थे। बोले सीता की कोई जरूरत नहीं, मैं ही तो सीता बन जाऊँ, क्या करूँ? ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं, इसलिए मुझे पाने के लिए पहले सीता जी की अनुगत करना पड़ेगा। इसलिए वृंदावन में जाओ तो इसलिए कोई भी कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, किसके नाम लेते हैं? जोर से बोलो। कहते राधिकार दास यदि हाय अभिमान, अगर किसकी ये अभिमान हो जाए हम श्री किशोर जी की दासी है, शीघ्र मिलाए तभी गोकुलपान, तभी कृष्ण जल्दी जल्दी मिल सकते हैं। कहते ये कितना कारण हो गया? कहते ये पंचमा कारण हो गया। बोले छठवा कारण क्या है? कल भगवान बामन देव अवतीर्ण हुए थे, जब भगवान बामन बन करके आए अभी बलि महाराज की एक बेटी थी जिसका नाम थी रत्नमाला। माताओं का एक स्वभाव, क्या स्वभाव? अगर किसी सुंदर से बच्चे को देख लेना इच्छा करता है इसको हम गोद में लेकर प्यार करें। अभी भगवान बामन देव बड़े सुंदर बन करके आए थे, उसने सोचा अगर ये मेरे बेटा बन करके आता तो दिन भर इसको गोद में लेकर के मैं लाड लड़ा दी। भगवान भाव उग्राही जनार्दन बोले कोई बात नहीं बेटा बन करके आ जाऊंगा। लेकिन जब उन्होंने दो पग में विश्व ब्रह्मांड को नाम लिए, तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं, वरुणों पास में उसको बांध दिया। बोले तो बड़ा दुष्ट है, मेरे पिताजी का सब कुछ अपहरण कर लिया फिर मेरे पिताजी को बांध लिया। बोले अगर तुम मेरे बेटे बन करके आओगे ना दूध क्या करके मैं जहर मिलाऊंगा। बोले कोई बात नहीं बेटा भी मिलता जहर ही मिलूंगा। वो क्या बन करके आए? अरे बोलो पुतना बन करके आए। ठाकुर जी उसकी चिन्ह ठाकुर जी पूर्ण किया है। बोले छठवा कारण। बोले सप्तम कारण क्या है? बोले जिस समय भगवान राम जनकपुरी में गए, इतने में लक्ष्मण ने भगवान राम से प्रार्थना की, बोले प्रभु थोड़ी सी जनकपुरी दर्शन करके आएंगे। लेकिन गुरु जी को बोल नहीं पा रहे थे। इतने में भगवान राम गुरु जी से बोले, विश्वामित्र से बोले, गुरु जी लक्ष्मण की इच्छा हो रही है जनकपुरी दर्शन करने का, हम थोड़ा जनकपुरी दर्शन करके आ जाए। बोले जनकपुरी दर्शन नहीं करना, जनकपुरी को दर्शन देख करके आना। जब राम लक्ष्मण जनकपुरी में प्रवेश किए लग रहा था मानो एक साथ में चंद्र सूरज प्रकट हो गए।
एक श्याम रंग के, एक गौर रंग के, एक पीताम्बर और एक नीलाम्बर बने हुए थे। जिस गली में जाए उसी गली में बोले श्री राम लक्ष्मण की। अरे जोर से बोलो, कोई जय हे बोल रहे, जोर से बोलो, बोले श्री सियावर रामचंद्र की। अभी जिस गली में जाए हल्ला हो गया, दो सुकुमार बड़ी सुंदर पुरुष आए थे, जितने सब किशोरिया थी, ये बच्चों को बैठा दो, तुम किसके बच्चे थे, दोनों बच्चों को बैठा, बैठा चुपचाप, खेलना नहीं, चुपचाप बैठो। इसलिए अभी जिस गली में जाए उसी गली में हल्ला हो रहा है, जितने सब किशोरियां वो सब के सब झरनों से दर्शन कर रहे थे, लेकिन जो छतों पर में जो किशोरियां थी उनका दर्शन हो नहीं पा रहा था, क्यों, वो छत के ऊपर में खड़ी हुई थी और नीचे झांक करके देख रहे थे। लेकिन प्रभु राम का एक स्वभाव है, बोले क्या स्वभाव है, कभी ये कभी भी सर को उठा करके अभी देखे नहीं, हर समय अपना सर को नीचा करके ये चलते थे। जो ऊपर जो किशोरियां खड़ी हुई थी उनके दर्शन नहीं हो पा रहा था, सोचे प्रभु हमें दर्शन कैसे दे। इतने में उन्होंने थोड़ा खांसे, बोले हो सकता है प्रभु तेरा सर उठाएंगे दर्शन होगा, लेकिन प्रभु तो सर उठाने वाले है ही नहीं। इतने में पीछे लक्ष्मण चल रहे थे, ये लक्ष्मण कौन, बोले लक्ष्मण गुरु जी, बोले गुरु जी का काम किया है, बोले ये जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना ये गुरु जी का काम है। इतने में श्री लक्ष्मण जी प्रार्थना की, बोले प्रभु देखो तुम्हारी जो सखियां है ना, ये सब के सब छत के ऊपर में आपको दर्शन करना चाह रही, थोड़ी सी सर को ऊपर उठा। बोले लक्ष्मण ये जनकपुरी है, ये मायापुरी है, इधर उधर मत देखा करो, सर को नीचे करके चलो। लेकिन बारंबार सखियों की इच्छा हो रही थी, जब लक्ष्मण बारंबार बोले इतने में भगवान राम सर को ऊंचा करके जब देखे, प्रभु के रूप को देख करके जितने सखियां थी सब के सब बेहोश हो गए। जब उनको होश आई सब के सब प्रभु राम को पीछे बढ़ गए, बोले प्रभु हमें से ब्याह कर लो, हमें से शादी कर लो। भगवान राम बोले लक्ष्मण मैं तुमको पहले से ही बोल रहा था ऊपर में मत देखा करो, देखा ये सब के सब पीछे पड़ गए, लक्ष्मण तुम ही शादी कर लो। इतने में भगवान राम बोले देखो ये रामावतार में एक सीता के सिवाय और मैं किसी को ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, तुम सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ, तुम्हारी समस्त इच्छा तुम्हें पूरी करूंगा। देखो एक चीज समझो, ये भगवान राम कृष्ण ऐसे एक है ना, किसी कुबड़ी को भी नहीं छोड़े, किसी राक्षसों को भी नहीं छोड़े, दूसरे दूसरे अवतार में जिसको कोई भी ग्रहण नहीं किए, अगर ग्रहण किया तो हमारे श्री बांके बिहारी ने ग्रहण किया है, ये बांके बिहारी ने ग्रहण किया है। बोले कारण किया है, बोले कारण है ये जो बांके बिहारी है ना, ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये पूर्ण ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म होने का नाते बोले तेजी असाम न दोषाय, जैसे अग्नि में आप जो कुछ डाल दो देखना सब जला करके राख बना देती है, उसी तरह जो भगवान कृष्ण है ये लीला पुरुषोत्तम है, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये पूर्ण ब्रह्म होने का नाते ये सब कुछ करने में समर्थ है, सब कुछ करने में ये समर्थ है भगवान। इसलिए कृष्ण के पास में किसी तरह से एक बार आ जाओ, बस इतना बोल दो प्रभु मैं तेरा हूँ और तू मेरे हो, ठाकुर जी सबको स्वीकार कर लेते हैं। बोले श्री वाक्य बिहारी की। इसलिए यदि ये जितने सारे कारण है ना, भगवान क्यों कृष्ण अवतार में ठाकुर जी आए, इसका पीछे हमारे गुरु जी 15 कारण बताए, बहुत सारे कारण बताए, अभी हम लोग कुछ नई कथा सुनेंगे, ध्यान देकर सुने। जो लोग डायरेक्ट ये श्रीमद भागवत ग्रंथ को पढ़ते हैं उनको पूछो भगवान कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए, आप लोग बताओ कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए थे, अरे बोलो कथा भागवत आप बहुत सुने, कहाँ पर, मथुरा में। इसलिए जो व्यक्ति डायरेक्ट ये भागवत पढ़ेंगे तो वही बोलेंगे कृष्ण मथुरा में ही प्रकट हुए, लेकिन हमारे महाप्रभु के भक्त लोग कहते मथुरा में प्रकट हुए हैं
लेकिन मथुरा में जन्म नहीं हुआ। जन्म तो वो गोकुल में हुए, जैसे आप लोग बच्चों को जन्म दिए हो। जब माताएं जन्म देती हैं, देखना वो गर्भ से बच्चा निकलती है और माँ के पेट को साथ में नाड़ी, जो नाड़ जुड़ी रहती है, नाड़ी काटती है ना, मथुरा में क्या नाड़ी काटी है? माँ के पेट से जन्म हुए नहीं हुए हैं, इसलिए उन्होंने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया है भगवान भाई। तो बोले देखो मैं यहाँ अभी छोटा बालक बन जाऊंगा और मेरे को लेकर के गोकुल में रख करके वहां से बेटी ले आना। भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, दर्शन देकर झट बच्चे बन गए। कितना जन्म नहीं हुए माँ के पेट से, उनकी नाड़ी छेदन नहीं हुई, नाड़ी नहीं काटी गई है। लेकिन ये सब लीला कहाँ पर हुई? भगवान की गोकुल में हुई। इसलिए हमारे एक कवि कर्णपुर जीव गोस्वामी संत हुए हैं, बड़ी प्यारी कथा सुनाते हैं कृष्ण कैसे गोकुल में जन्म हुए हैं। बोलेंगे आप कहाँ से ये सब कथा सुना रहे हो, क्या भागवत में किया है? बोले भागवत में है सब। जैसे गोपी गीत का जो पहला श्लोक है, आप लोग थोड़ी अच्छे तरह से समझ लो, गोपी गीत का जो पहला श्लोक है उसमें क्या बताए? बोले जयति तेधिकाम जन्मनाम प्रजा श्रयलये सारा ब्रज तो तेरे जन्म से आनंदित तो हो उठे हैं, लेकिन तेरे जो गोपियां हैं ना यहाँ पर तेरे विरह में रो रहे हैं। इसलिए गोपियां कहती हैं ब्रह्मा जी ब्रह्म स्तुति का जो प्रथम श्लोक है वहां पर भी कहते हैं अभ्रपुषे तड़िताम्बराय गुंजावतंस परिपीचलसत मुखाय। ये श्लोक में भी कहते हैं बोले पशुपांग जाय। पशुपा मतलब जो गैया को चराने वाले कौन है? वसुदेव महाराज गैया नहीं चराया करते थे, नंद बाबा गैया चराया करते थे। उनकी अंगस जो प्रकट हुई ये कौन है? श्री नंद नंदन है। जब श्री नंद उत्सव को सुखदेव गोस्वामी वर्णना करते हैं, इसके पहला श्लोक भी बोले नंदस्तु आत्मा जाता भागवान, वहां पर भी कहते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। कोई कहते हैं वसुदेव का आनंद भयो है, क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो है, क्योंकि नंद के लाला भयो है, इसलिए वहां पर आनंद हुए हैं। जब श्री गर्गाचार्य कृष्ण का नामकरण करते हैं उसी समय भी कहते हैं बोले प्राग अयम वसुदेवस्य क्वचित जाता तबात्मज। गर्गाचार्य कहते बोले नंद बाबा ये तेरे बेटा है, लेकिन ये कभी वसुदेव का भी बेटा बना है, इसलिए इसका नाम श्री वासुदेव होगा, लेकिन बेटा तुम्हारी बेटा है। इसलिए भागवत में बहुत सारे श्लोक है, हाँ इसकी कथा सुन लो। बोले श्री नंद बाबा के जो पिताजी थे जिनका नाम था परजन बाबा, परजन मतलब था नए, इनका नाम था परजन, और इनकी पांच बेटे थे उपानंद सुनंद नंद अभिनंद और नंदन। अभी जब बच्चे उम्र हो गया, बच्चों का शादी हो गई, जब इनकी 50 साल उम्र हो गया, पहले ये नियम होता था 25 साल तक ब्रह्मचर्य पालन करते थे, गुरुकुल में जाते थे, 25 साल के बाद में गुरुजी का आदेश को लेकर घर में जाते थे और 25 साल घर गृहस्थी करते थे, हो गया 50 साल। अब जब 50 साल खत्म हो जाता था फिर इसको बाद में शास्त्र कहता है 50 ऊर्ध्वे वनम व्रज, 50 साल के बाद में शास्त्र मना करता है घर में रहने के, इसलिए अंक क्या आता है 51 52 54 बन शब्द आता है, फिर घर में और नहीं रहेगा।
घर में रह करके जितना चाहने पर भी भजन नहीं कर सकते हो, तो घर की माया नाती पोती हैं, बेटा बेटी में ही रहने रहोगे। इसलिए पहले आप रामायण देखे होंगे, जब से दशरथ महाराज सीसा में केवल एक बाल को पका हुआ देखा है ना, बोले और नहीं रहना चाहिए, ऊपर से वार्निंग हो गया जाने के लिए ऊपर में, और नहीं रहनी चाहिए। इसलिए उन्होंने राम को बुलाए, बोले राज्य भार को तू संभाल, हम पति पत्नी हम बाण प्रस्थ में जा रहे, जिस काम के लिए ठाकुर ने ये जीवन दिया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो प्रभु को प्राप्ति करने के लिए हम जाएंगे हैं। इसलिए बोले बच्चा से उधे बनम ब्रजे, बनम ब्रजे इसलिए एकावन बावन चौवन, लेकिन जब भजन नहीं करो ना फिर आते हैं अड़साठ साठ एकसठ बासठ, मतलब क्या, मतलब फिर भैया सठिया बन जाओगे, फिर तुमसे भजन नहीं होगा, सठिया बन जाओगे। जैसे बांस जब कच्चा हो ना वो टेढ़ा हो जाता है, वो पकने से टेढ़ा नहीं हो, टूटेगा लेकिन टेढ़ा नहीं होगा। इसलिए अड़साठ साठ ये सब शब्द आया है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं इनका भी कल्याण हो सकता है, बोले इनके भी कल्याण हो सकता है। गोस्वामी जी कहते कैसे, बोले सठ सो धरे सात गत पाई, बोले ये सठों का कल्याण हो सकता है अगर भाग्य से अगर कहीं जीवन में संतों का संग मिल जाए ना। गोस्वामी जी कहते जैसे पारस और परस, जैसे स्पर्श मणि की स्पर्श पा करके लोहा भी सोना बन जाती है, अगर संतों का कृपा हो जाए ना, किसको पर संतों की अगर कृपा हो जाए तो उसका जीवन सुधर सकती है। इसलिए देखो अगर 50 साल के बाद में कहीं नहीं जा पाए, ऐसे अगर सुविधा नहीं हो, कम से कम घर में तो भजन करो ना, दिन भर टीवी खोल कर बैठ करके नाती पोती दुनियादार में लगे रहो, घर में बैठ कर तो कम से कम भजन करो, हरि के नाम का करो। इसलिए उन्होंने पांच बच्चों को उन्होंने बुलाए, बोले देखो बच्चों तुम लोग बड़े हो गए हो, तुम्हारी शादी हो गया, घर में बहू आ गई, अभी तुम लोग सब ठीक ठाक हो, हम चाहते हैं हम दोनों पति पत्नी वानप्रस्थ जीवन में जीवन को बिताए और मुक्ति के मार्गों को प्रशस्त करें। बच्चे लोग बोले कोई बात नहीं पिताजी, अब जाओ खूब भगवान की भजन करो। लेकिन जाने से पहले बच्चों ने कुछ प्रश्न किया है, इनका प्रश्न था पिताजी ये बताओ हमारे जीवन को, जो जीवन का जो लक्ष्य है हमें कौन देने वाले, जीवन का क्या उद्देश्य है। बोले ये संत ही तुम्हें मार्ग बताए, संत ही तुम्हें ये मुक्ति के मार्ग प्रशस्त करने वाले संत है। बोले पिताजी संसार में हमें डर और भय क्यों लगता है। बोले बच्चों ये आसक्ति की वजह से, ये चीज हमसे अलग नहीं हो जाए, हमसे छूट नहीं जाए। बोले पिताजी जीवन का लक्ष्य क्या है। बोले जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति ही जीवन का एक ही लक्ष्य है। बड़ी सुंदर सुंदर उन लोगों ने प्रश्न की और श्री परजन बाबा बच्चों को बड़े सुंदर सुंदर उपदेश को दे करके दोनों पति पत्नी चले गए। जब गए अभी चार ही बच्चों का तो संतान है, लेकिन केवल श्री नंद बाबा का घर में कोई संतान नहीं। इन्होंने बहुत कोशिश की घर में के बेटा हो जाए, क्योंकि भविष्य में राज सिंहासन को कौन संभालेगा, लेकिन किसी तरह से घर में बच्चा नहीं है। सारे बार व्रत दान उन्होंने कर लिए। एक दिन इन लोगों ने देखा एक एकादशी व्रत आया, जो एकादशी का नाम था पुत्रदा एकादशी। बोले अभी तक तो हमने सारे व्रत करके देख लिया, लेकिन अभी तक हमने ये पुत्रदा एकादशी व्रत नहीं किया जो पुत्र को प्रदान करती है। बोले चलो हम दोनों ये पुत्रदा एकादशी व्रत को रखते हैं। जब उन्होंने पुत्रदा एकादशी व्रत को रखे, उसी रात को ब्रह्म मुहूर्त में दोनों बड़े स्वप्न स्वप्न देखा। अगर ब्रह्म मुहूर्त में कोई स्वप्न होना करके सही होता है, वो क्या स्वप्न था। बोले श्यामा चंचल चारु गिर्ध नयन बाल स्तवांक स्थले पयोधार स्फुट मसो क्रीडांगमयम लोकते, ये स्वप्न था। अभी दोनों की नींद खुल गई। नंद बाबा बोले जसोदे जसोदे मैंने बड़े एक सुंदर प्यारा स्वप्न देखा है। जसोदा बोले मैंने भी एक स्वप्न देखा, पहले आप बताओ क्या देखा। बोले मैंने देखा तेरे गोद में
एक सुंदर बालक तुम्हारी स्तन पान कर रहा है, और स्तन पान करते समय दोनों धारों से दूध बहते उसका कुर्ता बिक रहा था। मेरे को स्वप्न नहीं लगा सचमुच से कोई बालक तेरे गोद में। बोले मेरी स्वप्न सुन लो। बोले बताओ। बोले मैंने भी देखा मेरे पीछे पीछे के बालक माँ माँ करके मेरे कपड़े को खींच करके बोले भैया मेरे को गोद में ले ले, मेरे को दूध पिला ले। उसी रात को ही मैया यशोदा ने गर्भ धारण, पूरा ब्रज में हला हो गया। मैया यशोदा ये बुढ़ी उम्र में भी मैया यशोदा गर्भ धारण की, हमारे देश का राजा जन्म लेने वाले। जितने गोपियां थी 6-6 महीना पहले 84 गज के लहंगा चुंदन से बना करके रख ली। बोले नंद के लाला होगा तो हम सबके सब इसको पहन करके बधाई देने के लिए हम सबके सब जाएंगे। अभी यशोदा की शरीर में कुछ गर्भधारण करने का लक्षण दिखाई पड़ रहा था। इतने में एक बड़ी बुढ़ी गोपी ने बोली, बोले मैया तुमने कुंवारी पड़े में जुड़वा केले तो नहीं खा ली थी? बोले क्यों? बोले ऐसे लगता है तुम्हारे पेट में 2 बच्चे होने वाले हैं। सचमुच से एक कृष्णा और एक जोगमा। और एक बड़ी बुढ़ी गोपी बोली, लगता है मैया तेरे पेट में लाला का जन्म होगा। बोले पता कैसे चल रहा है? बोले तुम्हारे जो होठ है ना वो पीला पीला दिख रहा है, इसे पता चलता है बेटा होने वाला। जब माँ के पेट में बच्चे हो देखना माताओं को चटपटी चीज अच्छी लगती है, खट्टा मिर्च मसाला चीज। जद्यपि मैया यशोदा जितेंद्रिय थी, इनकी मन में इच्छा हुई मैं खीर खाना चाहती हूँ। बड़ी सुंदर गैया के दूध में मिश्री डाल करके काजू पिस्ता डाल कर खीर बनाए, ठाकुर जी को भोग लगा करके मैया यशोदा को खिलाए। अभी एक होता है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार उसको कहते हैं गर्भ में जो बच्चे हो, जब बच्चा हो माताएं जो काम करेगी ना वो बच्चे के ऊपर वही संस्कार करती है, वही संस्कार करती है। इसलिए माता यशोदा को ठाकुर जी की बड़ी सुंदर सुंदर तस्वीर दिखाई जाती है, ठाकुर जी की बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं। इसलिए नियम है जब गर्भ में बच्चा होना माताओं को गीता रामायण भागवत पढ़नी चाहिए, क्योंकि माँ जो काम करती है अब देखना बच्चा वही करता है। जैसे देखो जैसे माँ तुलसी परिक्रमा कर रही है, पेट में बच्चा है वो क्या कर रहा है पेट में, वो भी तुलसी परिक्रमा कर रहे हैं। माँ जैसे ठाकुर जी को प्रणाम करती है, पेट में बच्चा है वो बच्चा भी प्रणाम कर रहा है। माँ जैसे भगवान की प्रसाद खाती है, बच्चे तो प्रसाद से शरीर बनेगा, उससे तो शरीर नहीं बनेगा। जैसे माँ बैठ कर भी कथा सुन रही है, बच्चा भी पेट में ना वो भी बैठ कर कथा सुनता है। आप लोगों ने सप्तम स्कंध में वहां पर बताए जब प्रह्लाद महाराज बच्चों को बड़ी सुंदर सुंदर ज्ञान की बात बताए, बच्चों ने कहा प्रह्लाद तेरे को ये सब बात कहाँ से सुनने को मिला? तू जो बात बताते हो ना ये जो संध्या अमर का हमारे गुरु जी तो ये सब बात को भी बताए नहीं, तुमको ये सब बात मिली कहाँ से? बोले जब मैं माँ की पेट में था इंद्र मेरी मैया को पकड़ करके ले जा रहा था स्वर्ग में, इतने नारद जी आए। बोले क्या कर रहे हो? बोले प्रभु मेरे अंदर में कोई बुरी भावना नहीं, इसका जो पिता हिरण्यकश्यपु, उसका जो पति हिरण्यकश्यपु एक पिता ही जगत में टहलका मचा दिया, अगर उसका बेटा हो जाएगा ना पता नहीं बेटा और पिता मिल करके ना हमको स्वर्ग में रहने नहीं देंगे, इसलिए मैं ले जा रहा हूँ। उसी समय हिरण्यकश्यपु तपस्या के लिए गया था। बोले इसका जब बेटा जन्म होगा बच्चे को मैं मार करके माँ को छोड़ दूंगा। तब नारद जी बोले तुम्हें पता है इसका पेट में कौन है? ये भगवान की सबसे प्रेमी भक्त, सबसे बड़े भक्त श्री प्रह्लाद महाराज इनके पेट में। बोले श्री प्रह्लाद महाराज की, इसलिए कहते ना जागे राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बैरी हुई। इसको दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जब उसको पता चला उन्होंने उनकी माँ को परिक्रमा की प्रणाम करते हुए चले गए। फिर नारद जी कयाद को लेकर के अपना आश्रम में गए और वहीं पर उन्होंने उनकी माता को भगवान की कथा उन्होंने सुनाई। उनने गर्भ में बैठ बैठ करके सारी कथा को याद की, गर्भ में बैठ बैठ कर सारी कथा याद कर ली। बोले इसलिए मेरे गुरु जी नारद है, मेरे गुरु जी की संधा पर नहीं है, हमने नारद से इस ज्ञान को प्राप्त की है। इसलिए नियम है गर्भ में
बच्चे रहते समय माताओं को भगवान की भजन करनी चाहिए। अभी ऐसे लग रहा था जैसे आज रात को लाला की जन्म हो जाएगा, और नंद बाबा का एक बहनी थी जिसका नाम थे सुनंदा, वो तो 6 महीना पहले से घर में जम करके बैठी थी। बोले क्यों? बोले भाभी गर्भवती थी, हमने कितना मेरे को 9 लाख हार मिले, इसी चक्कर से 6 महीना से घर में बैठी रही और सारे घर का काम काज वही भाग भाग कर कर रही थी। तब भाभी के बच्चा हो 9 लाख की हार मिले, बोले लगता है आज रात को बच्चा जन्म होगा। एक काम करो, गांव में 8 बजे तक सब जगे रहते थे, उसके बाद में सब सो जाते थे। बोले 8 से 10 तक 10 से 12 तक ढोलकी मजरा दे दो और माताएं कीर्तन करते रहे। अगर 10 बजे तक जिनके ड्यूटी लगाए थे समझो सब मजरा ढोलकी लेकर के बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद बजने गए। इतने में जोग माया आकर के सबको सुला दी, कहां ढोलकी पड़ा हुआ कहां चिमटा पड़ा हुआ, सब बेहोश होकर पड़े हुए। पता नहीं श्री वसुदेव महाराज मथुरा से कब आए और आ करके यहां पर मैया यशोदा ने 2 बच्चों को उन्होंने जन्म दिया है, एक श्री कृष्ण को उसको पीछे पीछे जोग माया को 2 बच्चे जन्म दिए। अभी प्रश्न होता है मथुरा से भी वसुदेव महाराज एक कृष्ण बुलाए, बताओ कितने कृष्ण हो गए? अरे बोलो कोई बोल, कितना कृष्ण हो गए? 2 कृष्ण हो गए ना, अगर 2 कृष्ण हुए तो और एक कृष्ण कहाँ हुए? हाँ ये चीज को समझो, बोले मथुरा में जो कृष्ण हुए हैं वो अंश कृष्ण हुए हैं और गोकुल में जो कृष्ण हुए वो पूर्ण कृष्ण हुए हैं। इसलिए जो पूर्ण कृष्ण ये अंश कृष्ण को उन्होंने अपना शरीर में मिला दिया, लेकिन ये रात को ये रहस्य किसको पता नहीं चला। यदि ये शंकर जी एक रुद्र जामल ग्रंथ है, शंकर जी ये बात पार्वती को कह रहे हैं, बोले पार्वती मैंने देखा है, बोले जसोदा आनंद पत्नी च सुसुवादे समम तदा, बोले मैंने देखा एक साथ में मैया और श्री देवकी 2 संतान जन्म लिया, दोनों संतान बोले घने सौदा मिनी जथा, जैसे आकाश में बिजली चमकती है ऐसे ही गोकुल कृष्ण ने मथुरे से कृष्ण को शरीर मिला दिया, लेकिन ये रहस्य किसको पता नहीं चला। इसलिए कृष्ण को नंद बाबा भी बेटा मानते हैं और वसुदेव भी उनको बेटा मानते हैं और सचमुच से दोनों का ही कृष्ण बेटे हैं, दोनों का ही कृष्ण बेटे हैं। अभी जब सवेरे हुआ सबके सब जोग माया सबके सब सुला दी, जोग माया सबके सब बेहोश होकर सब पड़े हुए। सवेरे सवेरे ये सुनंदा की नींद खुली, सुनंदा कौन थी? नंद बाबा की बहन जो 6 महीना पहले 9 लाख हार की चक्कर में जो बैठी हुई है, अभी उसको तो चैन नहीं पड़ रही है, भैया का बेटा होगा तो 9 लाख हार मिलेगी। सबसे पहले इसकी नींद खुली, नींद खुली तो बोले भैया भाभी का क्या हालत है? देखा दरवाजा खोल करके यशोदा की गोद में किलकारी मारते हुए सुंदर एक बालक खेल रहा है। बोले भैया कब ये बालक जन्म हो गया किसको पता ही नहीं चला। इतने में उसने एक थाली लेकर के ना बड़ी जोर जोर से बजाई, बोले भैया जग जाओ नंद के लाला भयो रे नंद के लाला भय, सबको जगा दिया। बोले भैया कब लाला हुआ किसको पता ही नहीं चला। सुनंदा बोली सबसे पहले श्री नंद बाबा को खबर देनी चाहिए, फिर 9 लाख की हार मिलेगी। बोले नंद बाबा कहाँ है ढूंढो। ढूंढते ढूंढते जब उन्होंने ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे वहां पर उन्होंने देखा नंद बाबा बैठ करके माला जप कर रहे हैं, लेकिन ये माला जप नहीं हो पा रहा था, सोच रहे थे
लाला कब है वो, छोरा कब होगा, यही सोच रहे थे। इतने में नंदो बाबा आ करके बोले, भैया कमाल है गया है। इतना जब बोले नंदो बाबा तो एकदम छलांग लगा दिया। बोले बहन जी बताओ कहाँ भयो है। बोले देखो 6 महीना से मैं बैठी हूँ, ऐसे थोड़ी बैठी हूँ, बताओ मेरे को क्या मिलेगा तो बताओ। बोले ले नवल्ला की हार की चक्कर में बैठी ना, ले ये नवल्ला की हार तू ले ले। बोले और क्या दोगे। बोले दे दिया ना नवल्ला की हार। बोले भैया तेरे को पता बात कितने बड़ी, बात भी तो बहुत बड़ी, और बताओ क्या दोगे। बोले ले जमुना किनारा में जितने गैया सब गैया चरने वाले जितने जमीनी हैं वो सारे जमीने तेरे नाम पर मैं लिखा दूंगा। बोले भैया और क्या दोगे। बोले दे दिया ना, और क्या चाहते हो। बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी है ना। बोले और क्या दोगे। बोले ले ट्रेजरी का जितने सारे चाबी का भी तू ले ले, सारे चाबी का भी तू ले ले, जो इच्छा तुम ले लेना, लेकिन बताओ तो सही घर में कहाँ भयो है। बोले भैया तेरे घर में लाला भयो है। नंद बाबा जब सुने घर में लाला भयो है, नंद बाबा तो वहीं से दौड़ लगाए और आ करके उन्होंने कितने उन्होंने तपस्या, कितने उन्होंने कष्ट किया था घर में लाला हो जाए। जब पहला बार उन्होंने लाला के मुख दर्शन की, इतने प्रसन्न नंद बाबा हुए, उन्होंने संकल्प लिया है। बोले 20 लाख गैया सोने चांदी में बढ़वा करके ब्राह्मण को दूंगा और सात तीन के पर्वत में साधु संत ब्राह्मण को दूंगा। इसलिए पहले ये संत को बुलाओ, क्योंकि उनकी आशीर्वाद से आज घर में लाला का मुख दर्शन करने को मिलो। जितने संत ब्राह्मण लोग आए वहाँ आ करके स्वस्ति वाचन पढ़ करके उन्होंने लाला को खूब आशीर्वाद दिया। नंद बाबा बोले जाओ ब्रजमंडल में ढिंडरा पिटवा दो, नंद बाबा के लाला भयो गए, सब के सब दर्शन करने के लिए आए। गोपियाँ तो 6-6 महीना पहले ही बड़े सुंदर सुंदर लहंगा चुंदरी बना कर रखे थे। जितने ब्रजवासी बगल बंदी धोती टोपी बना कर रखे थे, इसको श्रृंगार करके जाएंगे। सब के सब बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए दूध दही मक्खन लेकर के मैया जशोदा को बधाई देने के लिए आ रही थी। श्री सुखदेव गोस्वामी बड़ी सुंदर रूप में, गोपियों ने कैसे अपना शरीर को श्रृंगार की बड़ी सुंदर रूप में वर्णना करते हैं। बोले कान में बड़े सुंदर कुंडल पहन रखी थी, जब आ रही थी कुंडल जोर जोर से हिल रहा था। बोले क्यों। बोले तुम लोग को जाने से पहले हमें छोड़ दो, हम जा करके लाला को सबसे पहले बधाई दे। चोटी में जो सुंदर माला की श्रृंगार करके रखी थी वो एक एक फूल इनकी चरण के ऊपर गिर रहा था। बोले क्यों। बोले जो भगवान को बधाई देने जा रही है उनकी चरण की पूजा करनी चाहिए। अगर हम ये चोटी में रहेंगे तो उसको फिर यमुना में बहा देंगे। कृष्ण जब बड़े होकर के गोकुल में गली गलियों में ठाकुर जी जब भ्रमण करेंगे, कम से कम उनके चरण का धूल को प्राप्त होकर जीवन हमारी धन्य हो जाएगी। और जितने गोप गोपियां थी सब के सब नंद बाबा को बधाई दे रहे थे। देखो पहले माताओं के नंबर, फिर बाद में भाइयों का नंबर, ध्यान दे दो इसमें। मैं पहले जितने माताएं थी ये सब के सब मैया जशोदा को बधाई दे रही थी। मैं बोलूंगा मैया जशोदा बधाई हो, अब सबके सब बोलना बधाई हो बधाई हो, जोर से बोलूंगा। उसको बाद में फिर भाइयों का नंबर आएगा, देखते हैं किसका तेज ज्यादा है। बोले मैया जशोदा बधाई हो। पीछे जो माताएं बैठे थे सब चुपचाप बैठे, और जोर से एक बार बोले मैया जशोदा बधाई हो। मैया बोली बधाई हो बधाई हो ब्रज की गोपियों, आज ये बूढ़ी उम्र में भी ये लाला का मुख दर्शन करने को मेरे को मिला तुम लोगों का आशीर्वाद। इसलिए ये लाला मेरो नहीं, ये लाला तुम लोगों का लाला है। इतने में जितने गोप लोग थे ये सब के सब नंद बाबा को बधाई दे रहे थे। भैया लोग ध्यान से देखो, माता लोगों का तो जीत गए, आप लोग देखो कितना आप लोगों का कितना आवाज है। इतने में भाई लोगों को श्री नंद बाबा हैं जा करके नंद बाबा को बोल रहे थे। बोले अब मैं बोलूंगा बधाई हो, आप लोग जोर से बोलना बधाई हो बधाई हो। बोले श्री नंद बाबा बधाई हो बधाई हो। अरे ये भैया गड़बड़ी कर दिए। हाँ ये तो भाई लोगों को जिता दिया लगता है।
भैया कोई बात नहीं, लेकिन जो कुछ हो ना, वृंदावन में कन्या का नाम कोई नहीं लेते, किसका नाम लेते हैं? हाँ, राधा रानी का। राधा रानी का जीत है, देखो इधर ज्यादा राधा रानी का दल जाता है और कन्या का दल इधर कम है, इसलिए कोई बात नहीं। इसलिए देखो कृष्ण है ना, उनकी जयकार तो कृष्ण इतना खुश नहीं होते, राधा जी की जयकार सुनकर कृष्ण खुश हो जाते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अभी जितने ब्रजवासी थे इनके हृदय से कृष्ण को प्रति आशीर्वाद दे रहे थे, बोले जुग जुग जी मेरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जसोदा मैया तेरो ब्रजवासी सब के सब आ गए, लेकिन केवल दो व्यक्ति अभी आने में बाकी। बोले कौन? एक वृषभानंद महाराज और एक कृतिका सुंदर, राधा रानी की पिता माता। अगर दोनों आ जाए ना, ये उत्सव प्रारंभ होगा, देखते देखते दोनों अंदर में प्रवेश किए। अब मैया कृतिका इतने सुंदर सज धज करके आई थी, क्योंकि रानी है ना, अपना सर के ऊपर में दूध दही मक्खन मिश्री की मटकी ली थी। अभी प्रारंभ होगा, एक गोप ने एक लठिया लेकर के वो जो मटकी थी ना, वो मटकी को इस मारे, मारते ही मटकी तो फूट गई और मैया कीर्तिका सुंदरी दूध दही से पूरा पूरा स्नान कर ली। जब स्नान कर ली, दही में हल्दी और उसमें घी मिला करके एक दधी का दियो ना है, एक दूसरे को ऊपर लगा रहे थे, वहां इतना खींच खींच हो गई, सबके सब फिसल फिसल करके गिर रहे थे और सबके सब बोल रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सबके सब ए मखने के डेले उठा उठा कर एक दूसरे को ऊपर फेंक रहे थे। वहां पर एक साल साल की एक बुढ़िया थी जिसकी एक भी दांत नहीं, वो ऐसे करके देख रहे थे। बोले भैया बड़े जोर से नंद महोत्सव ले रहे हैं। एक गोप ने क्या किया, एक मक्खन की ढेला उठाकर सीधा उसको मुंह में लगा करके मारे, लेकिन उसकी एक भी दांत नहीं थी, उसको मुंह में लगाना सीधा अंदर में सटक गया। बोले भैया नंद महोत्सव में कोई भूखे नहीं रहते हैं। और नंदा हुआ बैठ बैठ करके मटक मटक कर देख रहे थे जितने ब्रजवासी थे। बोले भाई पिताजी नंद बाबा, आज तेरे घर में लाला भैया है, देख सारे ब्रजवासी आकर के नाच रहे हैं गा रहे हैं और तुम मटक मटक कर देख रहे हो, कम से कम आज का दिन तक नाच ले। जितने ब्रजवासी थे ना, नंद बाबा को पकड़ कर खींच करके ले आए। कहाँ? नंद बाबा का जो आंगन, राजा का आंगन ना बहुत बड़ी, इतने दूध दही लेकर के आए थे, पूरा वो आंगन भरा हुआ था, ऐसे लग रहा था मानो एक क्षीर समुद्र है। अभी उनको पकड़ करके बीच में ले आए। नंद बाबा देखने में कैसे लंबे चौड़े घोर बरने के, जैसे लग रहा था जैसे मंदरा जल पर्वत है। कमर में एक फेटा बांध कर रखते, एक तरफ में नंदगांव के गोप, दूसरे तरफ में बरसाना का गोप, दोनों तरफ में पकड़ रखे थे। ऐसे लग रहा था मानो ये खीर समुद्र मंथन होने जा रहा है। हमारे गोस्वामी लोग इतने सुंदर वर्णना किया, जैसे कल समुद्र मंथन हुई लवण समुद्र, सबसे पहले हलाहल बीज निकला जिसको शंकर जी पान करके गले में धारण किया, तो शंकर जी का एक नाम पड़ गया नीलकंठ नाम पड़ गया। बोले श्री नीलकंठ महादेव की। लेकिन यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वहां से सबसे पहले बीस निकला, लेकिन ये जो समुद्र मंथन हो रही है। बोले नंदस्तु आत्मद जाता लाद महामना, यहाँ पर तो स्वयं आनंद गंध भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए। कभी ये लवण समुद्र से 14 रत्न निकला था, लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भले रमा क्रीड़न अभूत निर्भ परिधि, नंद बाबा ने इतने धन दौलत
इतने सोने चांदी हीरे जवाहरात को दान दिए जो ब्राह्मण लोग गठली बांध बांध कर ले नहीं पा रहे थे। वो गठली की कोने से गिरते 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 जा रहा था, अली गलियों में सोने चांदी बिखर रहा था। ऐसे लग रहा था मानो भगवान कृष्ण जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट होकर गली गलियों में माँ लक्ष्मी नाच रही है, ऐसे लग रहा था वहां पर। इतने सुंदर वहां पर लग रहा था। इधर नंद बाबा ने 20 लाख गैया दान दी, बड़े सुंदर उनको सोने चांदी में श्रृंगार करते हुए श्री भोले बाबा भी आए थे नंद महोत्सव में। आप बताओ भोले बाबा का वाहन कौन है? अरे बोलो बोलो वाहन कौन है? नंदी। शंकर भी चक्कर में पड़ गए, डर गए, बोले क्यों? बोले इतने गैया दान दे रहे हैं, अगर गैया को दान दे दे तो मेरे नंदी को अगर भूल से अगर दान में दे दिया ना भैया मैं बैठकर कैसे जाऊंगा। इसलिए शंकर जी डर करके नंदी को पूछ को पकड़ कर खड़े हुए। वहां पर माता पार्वती भी आई थी, उनकी भी 2 बेटे हैं, कौन कौन है? कार्तिक गणेश। इसलिए बोले हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इतने हाथी घोड़े दान दे रहे थे, मैया पार्वती भी डर गई, बोले हाथियों को दान देते थे मेरा बेटा भी तो गजानन है ना, हो ना हो इसको भूल से दान में दे दे फिर मेरे बेटा ही चला जाएगा। वो अपना बेटे को ऊपर उठाकर बड़े जोर से चिपका कर खड़ी हुई थी। वहां पर धन कुबेर आए थे, स्वर्ग का जो सारे संपत्ति का जो मालिक, नंद बाबा ने इतने नंद बाबा दान दिए। वहां वर्णना करते हैं, कहते कुबेरे को पास में जो पैसा, कुबेर देख देख कर उसका सर नीचा हो गया, बोले क्यों? बोले भगवान मेरे को झूठ मूठ का कुबेर क्यों बनाया? आज श्री नंद बाबा जो दान दे रहे हैं, नंद बाबा इतने दान दे रहे हैं, भैया मेरे पास में उसका एक किनका भी मेरे पास में नहीं है। बोले भैया इतने धन दौड़ कहां से आ गया? बोले जब भगवान कृष्ण जन्म हुए हैं उनकी स्वरूप शक्ति लादिन शक्ति श्री राधा रानी भी वहां पर प्रकट हो गई। राधा रानी ने आदेश दी आज मेरे प्रियतम की जन्म उत्सव में इतने दान दी जाए जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक सबके सब स्मरण करे नंद बाबा ने कितने दान दक्षिणा दिया था। ब्रज में पूरा का पूरा समस्त लोग सारे लोग गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, लेकिन एक व्यक्ति दुखी होकर बैठी हुई। बोले कौन? बोले रोहिणी। बोले क्यों? बोले जो रोहिणी है वो प्रसिद्ध भद्रिका, प्रसिद्ध भद्रिका उसे कहते हैं जिनका पति दूर देश में हो और विपत में पड़ा हुआ हो। जिसके पति विपत में पड़ा हुआ दूर देश में, पत्नी कभी सभी के सामने नाचेगी? कभी नाच नहीं सकती। इसलिए रोहिणी का पति कौन? श्री वसुदेव महाराज, कंस के कारागार में मथुरा, पर सबके सामने कैसे नाचेगी? ये बड़ी चुपचाप होकर बैठी हुई थी। इतने में नंद बाबा ने देखा सबके सब नाच रहे हैं, लेकिन घर की जो सदस्य रोहिणी कहां पर गए? ढूंढते ढूंढते देखा मैया रोहिणी दुखी होकर के बैठी हुई। इतने में नंद बाबा बोले रोहिणी तू जब से पहले मथुरा में थी ना बाद में आई है, बोले जब से तू ब्रज में आई हो हमारी जय जयकार हो रहा, सबसे पहले तेरा बेटा था भैया हुए, और अभी तक मेरे कोई बेटा नहीं था, अभी कृष्ण कन्हैया हुए हैं। मेरे को पता तेरे पति जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन घर में तुम दो ही स्त्री हो, एक जसोदा और एक रोहिणी। अभी जसोदा तो पुत्र जन्म दी, वो तो किसी काम कर ही नहीं सकती, अभी घर का काम काज तो तेरे को ही संभालना पड़ेगा ना। अरे कोई बात नहीं, नाच नहीं सकती, कम से कम लाला को तो आशीर्वाद दे करके आ। इतने में उन्होंने श्री बलदेव प्रभु 15 दिन पहले जन्म हुए थे, कहते हैं बलदेव प्रभु जब जन्म हुए आंख बंद करके जन्म हुए। बोले क्यों? बोले सबसे पहले मैं कृष्ण को देख करके दुनिया को देखूंगा। इतने में मैया रोहिणी कृष्ण बलदेव प्रभु को लाए और कृष्ण को एक पलना में दोनों मैया को जो सुला दिए। इतने में बलदेव प्रभु देखा पिता आ गया कन्या के पास में। इतने में बलदेव प्रभु ने आंख खोल दी, जब खोले ना उनके सामने श्री कृष्ण कन्या को दर्शन किए। यद्यपि मैया रोहिणी दुखी थी, लेकिन जब देखा मेरे लाला ने आंख खोल दी, मैया रोहिणी को भी रहा नहीं गया, वो भी ठुमुक लगा करके नाचना शुरू कर दी। बोले श्री कृष्ण कन्या लाल की। आप लोग बधाई सुन लो, ठाकुर का एक बधाई सुन लो।
बज रहे हैं कि किसको बात का बोलना है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो ने, ब्रज लाला जायो ने सब खड़े जाओ, खड़े जाओ सभी। ओ ब्रज में है जय जयकार नंदी घर लाला जय श्री राधे, ब्रज में है जय जयकार नंदी घर लाला जायो Thank you.
वस्तु सब ने लीनी, धन की वस्तु सब ने लीनी, आनंद की चली अलमेली, स्वागत की चली अलमेली, नंद द्वार और मार्ग में नंद की मचायो है, ओ ओ नंद द्वार और मार्ग में नंद की मचायो है, ब्रज में जय हो ब्रज में यार Oh,
सभी राधा जी के होके जाना आज, क्योंकि हम लोग गोड़िया मठ से है ना। गोड़िया का अर्थ क्या होता है, जो गोरी के हैं, गोड़िये। आज हमारे बीच में बठिंडा से भी भक्त लोग आए हुए हैं, हमारे कृष्णदास प्रभु जी हैं, मिथिला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्त शशि भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी के आश्रित है, चैतन्य गोड़िया मठ है बठिंडा में, वहीं से भक्त लोग आए हैं। इनके साथ एक प्रभु जी और आए हैं हमारे मंगल प्रभु जी। प्रभु जी आ जाइए। ये मंगल प्रभु जी, इनके बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। ये अकेले प्रभात फेरी निकालते हैं, ये बठिंडा में जहाँ पे महाराज जी अकेले बस लेके आते हैं, हर छह महीने बाद वृंदावन बस लेके आते हैं और सबको दर्शन कराते हैं, और हर बार नए लोगों को लाकर ब्रज का दर्शन कराते हैं। इनका प्रण है सबको वृंदावन के साथ जोड़ना, प्रभात के साथ जोड़ने का। तो इन्होंने महाराज जी को भी बुलाया था, लेकिन महाराज जी के पास समय नहीं था, इसीलिए महाराज जी 17 तारीख को रात को चले जाएंगे, नहीं तो 18 तारीख का प्रोग्राम बठिंडा में ही होना था। प्रभु जी ने क्या किया हुआ है देखिए, प्रभु जी अकेले प्रभात फेरी निकालते हैं, कोई आए ना आए, क्या करते हैं हम लोग जो माइक लेके चलते हैं ना अभी सुबह प्रभात फेरी में, एक जो बर्फ की सीढ़ी रखने वाले देखिए, रिक्शा बर्फ की सीढ़ियाँ आती है जिसमें उस रिक्शा में बैठ जाते हैं, एक लड़का आता है इनके बैंक से, ये बैंक में मैनेजर है, बैंक से लड़का आता है उनको बिठा देता है और साथ में ये माइक पकड़ के अकेले ही घूमते हैं, नाम भगवान नाम गाते हुए बड़ी अच्छी कॉलोनी है, लेकिन वहाँ के लोग भक्त बनाना चाहते हैं उनको ये, इसीलिए वहाँ पे बहुत प्रचार कर रहे हैं। इनके साथ कृष्णदास प्रभु जी हैं, बठिंडा मठ से जुड़े हैं, ये तो वैष्णव हैं कृष्णदास प्रभु जी, तो ये बहुत ही अच्छे कीर्तनी, अभी हमको थोड़ा कीर्तन भी सुनाएंगे प्रभु जी। प्रभु जी सबको कीर्तन थोड़ा दीजिए आशीर्वाद। महाराज जी ने बोला था कृष्णदास प्रभु आए हैं तो इनसे 2 मिनट कीर्तन जरूर करवाना, इनको जाना है थोड़ा जल्दी, इसीलिए अभी करवा रहे हैं, नहीं तो बाद में महाराज जी आशीर्वाद। महाराज जी इनको आशीर्वाद दीजिए, साथ में आ जाए माला पहना। और बात ये है, वो पापों में ही जी रहे हैं, हमारे का सौभाग्य नहीं है, जितना आप सबने हमको मानित दिया हम उसके लायक नहीं है। बस हम आपसे सिर्फ एक ही चीज ही मांगते हैं, आपको श्री चरण कमलों में नमस्कार होकर हमको निष्काम इस भाव की भक्ति चाहिए, इसके सिवा अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, हर क्षण हर पल हर सांस प्रभु के नाम ही हो जाए। बोलो मेरे बांके भैया मिला आ रहा है। प्रभु जी के साथ संगरूर के कुछ लोगों ने भी बस में नंदगांव दर्शन किए थे, कुछ लोग हैं यहाँ बिहार खड़े कीजिए जो खाए, सब लोग गए थे नंदगांव बस में लेके गए थे प्रभु जी सबको। श्री राधे, श्री राधे। हरि बोल श्री राधे। भाई थोड़ा इको दे दीजिए, इको। हरे कृष्णा थोड़ा रिपीट करके, रिपीट। हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल इको दे इको श्री राधे, श्री राधे। हरे कृष्णा
वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को जहां डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे हो श्री राधा जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास हो जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास राधा राधा नाम को सपने में मोहन सावरो झट अपनो कर ले जय जय राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मा आज तो बधाई बाजे नंद भवन में आज तो बधाई बाजे नंद भवन में Oh, yeah.
Thank you.
सचिदानंद गौर हरि श्री नित्यानंद प्रभु की जय श्री गुरुपाद पद्म की जय श्री प्रभुपाद की जय कृष्णदास प्रभु की जय गौर हरे कृष्ण सब एक हाथ में बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम एक बार आप लोग बोलिए मैं सुनूंगा जोर से सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म परम आराधितम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में मेरे यथायोग्य प्रणाम। श्री नंद बाबा के घर साक्षात आह्लाद स्वरूप आनंद स्वरूप कृष्णचंद्र का जन्म हुआ और वहां पर बड़े जोरों शोरों से नंद के आनंद भयो आनंद उत्सव की हिलोरे छा रही थी। वहां पर सब ब्रजवासी नृत्य कीर्तन करते हुए उमग्न हो रहे थे और तभी हठात नंद बाबा के दिमाग में आया कि अरे बाबा हमसे तो एक भूल हो गई। बोले इतना समय हो गया मैंने कंस को कोई भी टैक्स कर देने नहीं गया क्योंकि पहले नंद बाबा के घर में कोई संतान नहीं थी इसलिए परवर्ती काल में क्या होगा क्या नहीं होगा इसके लिए नंद बाबा बड़े उदासीन थे। लेकिन अब जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ है उनके हृदय में तो बहुत हिलोरे उठ रही है कब लाला बड़ा होगा कब घर में बहू आएगी कब नाती पोते घर में खेलेंगे इसीलिए इतने आनंदमग्न हो रहे हैं नंद बाबा और विचार करते करते उनके मन में क्या आया बोले कंसस्य वार्षिक्य कर्म दातु गुरुद्वह उन्होंने वार्षिक कर देने के लिए इनकम टैक्स देने के लिए क्या किया बोले गोपान गोकुल रक्षायाम निरुप्यम मथुरांगता। नंद बाबा स्वयं मथुरा की ओर चले गए। नंद बाबा तो गए हैं मथुरा वहां पर मिले हैं श्री वसुदेव महाराज से। वसुदेव महाराज को जब पता चला कि कंस उसका काल साक्षात गोकुल में जन्म ले चुका है अन्यत्र जन्म ले चुका है तो इसीलिए कंस ने भी अपने समस्त अनुचरों को बुलाया। वहां पर पूतना भी आई थी। पूतना कहने लगी कि भैया आप इतने चिंतित क्यों हो बोले बहन इस तरह से आकाशवाणी हुई थी और मेरी कुलदेवी कंकाली उन्होंने साक्षात कहा है कि मेरा काल अन्यत्र जन्म ले चुका है। बोले भैया चिंता मत करो अरे मेरा नाम ही है पूतना पूतना मतलब पूतना जो पुत्र को रहने ही ना दे इसीलिए
अगर तेरा काल जन्म लिया है इन 10 दिनों के अंदर ही तो होगा। मैं आज ही जाऊंगी और सब नवजात शिशुओं को खाकर उनका रक्त पान करके सभी को मार डालूंगी। इसीलिए क्या हुआ, बोले कंसस्य प्रहितां घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निगनन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। कंस की प्रेरणा प्राप्त कर नंद बाबा तो यहां से गए थे मथुरा, लेकिन मथुरा से कृष्ण की मौसी जी चले आए और इतना सुंदर स्वरूप वहां पर धारण किया। राक्षसी है लेकिन फिर भी इतना सुंदर स्वरूप धारण किया। श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, इतना सुंदर स्वरूप उसका देखकर समस्त ब्रजवासी आकर्षित हो रहे थे। पूर्णिमा की चंद्रमा की छटा को चमचमाती हुई साड़ी के रूप में अपने अंग पर लपेट लिया, कानों में सुंदर कुंडल सुशोभित हैं, अमावस्या की रात्रि को काजल बनाकर मानो आंखों में लगा रखा हो, बाल को इतने सुंदर रूप में गजरा लगाकर मल्लिका पुष्प से सुसज्जित कर रखे हैं, पतली कमर में कर्दनी पाँव में नूपुर, इतना सुंदर सुंदर बलखाती मटकाती हुई चलती हुई और जैसे ही सब ब्रजवासी के साथ नंद भवन में प्रवेश कर रही है। मैया यशोदा तो उसको देखकर विचार करने लगी, ये सुंदरी कहां से आई, लगता है कमलवन से साक्षात लक्ष्मी चल के आ गई ना क्या। सब ब्रजवासी सोच रहे थे कि क्या इंद्र ने किसी अप्सरा को भेज दिया ना, इतनी सुंदर ब्रजवासी इतनी सुंदर गोपी तो हमने आज तक नहीं देखी नहीं। यहाँ चक्रवर्ती पाद कहते हैं नए श्रवणादिनी रक्षम नानी सुकर्म सु। भैया पूतना का अर्थ क्या होता है, बोले अपवित्र, और ये अपवित्र वस्तु कृष्ण की जन्मभूमि पर कैसे पहुंच गई, जहां पर भगवान साक्षात कृष्णचंद्र विराजमान हो वहां पर ये अपवित्र पूतना पहुंची तो पहुंची कैसे। तब उसका उत्तर देते हैं नयत्र श्रवणादिनी रक्षम नानी सुकर्म सु। भैया ये अपवित्र वस्तु ये कहां पहुंचती है, बोले जहां पर ठाकुर का कथा कीर्तन नहीं होता। टीकाकार यहां कहते हैं कि भैया जिन घरों में ठाकुर का कथा कीर्तन भगवान का नाम इत्यादि नहीं होता, कहते वो घर नहीं, वो सांप का बिल है, वहां पर विषैले सर्प विराजमान रहते हैं और उन्हीं स्थानों पर पूतना का निश्चित रूप से आगमन होगा। लेकिन जहां पर ठाकुर का कथा कीर्तन होता है वो तो साक्षात वैकुंठ धाम है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर और चले जा रहे हैं उसी समय पर उन्होंने अपने समस्त भक्तों को एकत्रित किया, एकत्रित करके और भगवान साक्षात देखो यहाँ प्रश्न करते हैं। भगवान कहते हैं क्या तुम सब मुझसे प्रेम करते हो। सब भक्त कहने लगे कि प्रभु आप तो हमारे प्राण स्वरूप हो, हम आपके सिवा तो और किसी को जानते ही नहीं, आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं। तब महाप्रभु कह रहे हैं कि यदि तुम सब मुझे प्रेम करते हो तो मुझसे एक वादा करो। बोले क्या, बोले शाम के समय में जब सभी घर वाले एकत्रित हो जाओगे, सब अपने काम धाम कर घर में आओगे, उस समय पर सभी मिलकर और ठाकुर का कीर्तन करना, ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, भगवान की कथा श्रवण करना, उनका नाम संकीर्तन करना, अगर ये नाम संकीर्तन तुम करोगे तो इससे मुझे अत्यंत प्रसन्नता मिलेगी। इसीलिए जिस स्थान पर ठाकुर का कथा कीर्तन होता है साक्षात वहां पर ठाकुर जी का विराजमान है, भगवान वहीं पर विराजमान है। ऐसी अपवित्र वस्तु पूतना जैसी अपवित्र वस्तु भी ब्रज में ठाकुर की लीला स्थली में प्रवेश कर रही है तो इसका कारण यही है कि ठाकुर चाहते हैं। क्योंकि कृष्ण का जब जन्म हुआ है, अभी कृष्ण केवल मात्र 6 दिन के हैं, लेकिन 6 दिन के होने पर भी इतना सुंदर कृष्ण का स्वरूप है, सारे ब्रजमंडल में हल्ला हो गया, भैया वो कारो कारो है लेकिन मतवारो है, इतना सुंदर कृष्ण का स्वरूप है जिसको देखने के लिए सब ब्रजवासी ललचा रहे हैं। लेकिन माँ ने जब संतान को जन्म देती है तब सूतक लगता है, यहाँ पंजाब में आप लोगों के होता होगा, माँ जो गर्भवती महिला के कमरे में पुरुष प्रवेश नहीं करते, लेकिन भगवान तो भक्तवत्सल है, अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, सभी भक्त चाहते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। कृष्ण सोच रहे हैं भैया मैं तो अभी घुटनों पर भी चलना नहीं जानता, कैसे भक्तों को दर्शन दूं, तो इसीलिए वहीं से पूतना को बुला लिया। पूतना जैसे ही ब्रजमंडल में प्रवेश करके नंद भवन में प्रवेश करी है और अंदर प्रवेश करते करते कहने लगे, बोले मैया यशोदा बधाई हो, बहन बड़ी दूर से आई हूं, मैं तो जैसे ही मैंने खबर सुनी तेरे घर में लाला भयो है दौड़ती दौड़ती तेरे को बधाई देने चली आई। मैया भी सोच रही है इसको आज तक कभी देखा नहीं, आते ही बिल्कुल मुझे बहन कहकर संबोधित कर रही है, इतनी आनंदित हो रही है कौन। फिर सोचा कि चलो छोड़ो, अभी अगर पूछूंगी कहां से आई तो बुरा मान लेगी, इसीलिए मैया यशोदा भी कहने लगी, बधाई हो बहन, आज तुम्हें सबके आशीर्वाद से मेरे घर में लाला हुआ है। बोले बातें ही करती रहेगी ना, लाला कहाँ है, दर्शन भी करवाएगी, बोले वही पल्ले में खेल रहा है।
कृष्ण वहां पर पल्ले के अंदर विराजमान थे। चक्रवर्ती पाद कहते हैं जिस प्रकार राख से आग ढकी हुई होती है उसी प्रकार कृष्णचंद्र वहां पर शांत बैठे थे। लेकिन पूतना जैसे ही चलती चलती सुंदर स्वरूप से कृष्ण के पल्ले की ओर जा रही थी वहां पर कृष्ण ने आंख बंद कर ली। कृष्ण ने वहां पर आंख बंद कर ली। पूतना ने कृष्ण को गोद में उठाया और कहने लगी कि इतना सुंदर बालक, अरे इतनी सुंदर बालक का कोई पालने में रखता है, अरे उसे तो गोद में उठाकर स्तनपान कराना चाहिए, उसे तो लाड प्यार करना चाहिए। ऐसा कहते हुए उसने कृष्ण को जैसे ही गोद में उठाया है प्रभु ने तो आंख बंद कर ली। हमारे टीकाकार कहते हैं कि कृष्ण ने आंख क्यों बंद कर ली, इसके पीछे कई कारण बतलाए हैं, हम कुछ कारण श्रवण करने की चेष्टा करेंगे। सर्वप्रथम कारण बतलाया कि कृष्ण अभी केवल मात्र 6 दिन के हैं और मनीमन विचार कर रहे हैं कि ये पूतना न जाने कहां से आ गई, छोटे बच्चे माँ के अलावा किसी और की गोद में जाना नहीं चाहते, इसीलिए पूतना को अनजान समझ के कृष्ण ने अपनी आंख बंद कर ली। दूसरा कारण बतलाते हैं कि कृष्ण के आने का कारण है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों को मारने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए आए हैं। कृष्ण सोच रहे हैं कि हमको श्री गणेश ही पूतना राक्षसी से करना पड़ेगा, अभी मैं इसको मारूंगा और इसको मारने से छटपटाएगी, इसके दुख कष्ट को मैं देख नहीं पाऊंगा, इसीलिए कृष्ण ने क्या किया, बोले आंख बंद कर ली। और एक कारण कहते हैं, बोले भगवान आंख बंद करके मानो मंगलाचरण कर रहे हैं कि भैया इसको तो आज से श्री गणेश करके यहीं से दुष्टों का प्रारंभ करना आरंभ कर दो। चौथा कारण बतलाया कि भगवान के उदर में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है, पूतना अपने स्तन में विष लेकर आई है। कृष्ण भी सोच रहे हैं कि अगर मैं इसका स्तनपान करूंगा, विष अगर पान करूंगा, मानो पेट के अंदर से, उदर के अंदर से अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु नहीं नहीं आप विषपान मत कीजिए, अगर आप विषपान करेंगे तो हम सब विध्वंस हो जाएंगे। तो कृष्ण आंख बंद करके और उनको सांत्वना दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, बोले चिंता मत करो, विषपान करने के लिए मैंने भोले बाबा को बुलाया है। कृष्ण आंख बंद करके भोले बाबा को आह्वान कर रहे हैं, बोले भोले बाबा समुद्र मंथन में भी आपने ये विष पिया था, आज भी आकर आप विषपान कीजिए और इसके स्तन से दूधपान मैं करूंगा। और एक कारण कहते हैं कृष्ण यहां पर विचार कर रहे हैं कि मैं इसे मारने जा रहा हूं, मारूंगा तो इसकी संतति होगी, लेकिन इसने आखिर पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था जो ये साक्षात मेरे दर्शन करते करते, मेरे स्पर्श प्राप्त करते हुए मरेगी। तब वो स्मरण करके देख रहे हैं कि ये तो पूर्व जन्म में वही बलि महाराज की पुत्री रत्नमाला है, उसके पूर्व जन्म का कर्म स्मरण करके कृष्ण ने क्या किया, आंख बंद कर ली। इस प्रकार विभिन्न कारणों का वर्णन है, लेकिन वहीं पर पूतना ने क्या किया, फटाफट से अपने स्तन को कृष्ण के मुख में बलात् प्रवेश करवा के और उसे दुग्ध पान कराने लगी। कृष्ण धीरे धीरे दूध भी पान किया, विष भी पान किया और धीरे धीरे उसके प्राणों का शोषण करने लग गए, वो तो वहां पर छटपटाने लग गई, सामुच्च मुच्च अलग नीति प्रभाषिणी चित्कार कर रही थी वहां पर, अरे मुझे छोड़ दे छोड़ दे, अरे और कितना दूध पिएगा, छोड़ दे हट दूध। कृष्ण कहने लगे कि मैं तो सहज में किसी को पकड़ता नहीं, एक बार यदि पकड़ लिया तो फिर जब तक अपने धाम ना पहुंचा दूं मैं छोड़ता नहीं, मैंने थोड़ी ना तुझे कहा था आकर मुझे पकड़ ले। हमारे कृष्णचंद्र देखो इतने दयालु हैं, प्रभु कहते हैं कि मैं सहज में किसी को पकड़ता नहीं, लेकिन अब तो तुझे मैं अपने धाम ही पहुंचा कर रहूंगा। पूतना जब वहां पर छटपटा रही थी मनीमन विचार करने लगे कि इसे अपने भाई कंस के पास ले जाती हूं, निश्चित रूप में वो मेरी रक्षा करेंगे। उसी समय पर पूतना ने अपना विराट स्वरूप धारण किया, इतना भयानक उसका स्वरूप, और उड़ते हुए आकाश मार्ग से लेकर जा रही थी कृष्ण को मथुरा की ओर। मथुरा की ओर जैसे ही लेकर जा रही थी बीच में वहां पर एक बगीचा था, वो बगीचा कंस का बगीचा था और उसके अंदर बड़े सुंदर सुंदर फल फूल इत्यादि होते थे, लेकिन कंस का निर्देश था कि इस बगीचे के फल फूल किसी भी भगवत भक्त की सेवा में नहीं लगने चाहिए, केवल मात्र मेरे और मेरे अनुचरों की सेवा में लगने चाहिए। भगवान कहते हैं दारी के, ये सृष्टि का जगतकर्ता मैं हूं, मैं ही इसका रचयिता हूं, ये फल मूल समस्त कुछ मैंने बनाया है मेरी सेवा के लिए और तू एकमात्र इसका भोग करना चाहता है, अभी बतलाता हूं। भगवान ने क्या किया, पूतना को उसी स्थान पर ले जाकर धड़ाम करके गिराया, इतना जोर से शब्द हुआ और पूतना ने वहीं पर राम नाम सत्य, पूतना वहां पर वृद्ध पड़ी हुई थी,
जिसके स्वरूप को देखकर सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए। इतना भयानक स्वरूप, उसके दांत मानो हल जैसे, उसके बाल ऐसा लग रहा था ताम्रवंद हो, उसकी भुजा मानो एक सेतु के समान, उसकी आंखें मानो एक जल शून्य गढ़, उसके नाक ऐसे लग रहा था मानो किसी पर्वत के बीच में गुफा हो, उसके स्तन तो मानो पर्वत की चोटी के समान, नाभि एक जल शून्य कुएं के समान। इतना भयानक स्वरूप, लेकिन कृष्णचंद्र को देखा वो तो वहीं पर छाती के ऊपर खेल रहे हैं। सारे ब्रजवासियों के हृदय में आनंद की लहर दौड़ उठी। बोले हमारे खाना सलामत है, हमारे लाला सलामत है। सब ब्रजवासियों ने वहां पर एक सीढ़ी बुलाई और सीढ़ी से चढ़ते हुए कृष्ण को उतारने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन मनी मन डर भी रहे हैं। बोले भैया ये राक्षसी अगर जग गई तो हमको तो कच्चा ही खा जाएगी। इसीलिए डरते डरते उन्होंने क्या किया, कृष्णचंद्र को वहां से उतारा है। और कृष्ण को जैसे ही मैया यशोदा के हाथ में दिया, लाला तो वहां पर हंसने लग गए, मुस्कुराने लग गए। सब ब्रजवासी सोचे कि हमारा लाला ठीक है। गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौरज सार्वकम्। मैया यशोदा ने आज गाय के गोबर से, गौमूत्र से कृष्ण को स्नान करवाया। बोले मेरे पुत्र ने एक मृत व्यक्ति को स्पर्श कर लिया, मेरा पुत्र अपवित्र हो गया, लेकर आओ गोबर लाओ, गोमूत्र लाओ, इसको मैं स्नान करवाऊंगी। और गाय के पूत से कृष्ण को झाड़ा दे रही है। गाय के खुर से जो मिट्टी उठती है वो मिट्टी भी बड़ी पवित्र होती है, इसलिए आज मैया यशोदा क्या कर रही है, बोले कृष्ण के उन कृष्ण के श्रीअंग पे उसी मिट्टी से तिलक लगा रही है और कृष्ण का नाम ले लेकर, ललाटे केशवाय नमः, उदरे नारायणाय नमः, वक्षे माधवाय नमः, कंठे गोविंदाय नमः। ठाकुर के अलग अलग नाम लेकर और ठाकुर को ही तिलक लगा रही है। देखो हम जो ये तिलक लगाते हैं ना, इसे साधारण मत समझो। कल भी मैंने इसकी बड़ी महिमा बतलाई थी, शास्त्रों में तिलक की पूरी महिमा कही गई है। कृष्ण मनी मन यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि देखो मेरे नाम में कितनी शक्ति, आज मैया यशोदा मेरे नाम को ही ले लेकर और मेरे शरीर पर सुरक्षा कवच कर रही है। हम सुन रहे थे ना भगवान राम ने, उन्होंने भी सेतु बनाकर, उनका नाम लिखकर सेतु बनाकर और सागर पार किया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने भी दिन रात कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाही माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा, ये कृष्ण नाम का ही कीर्तन करते थे। अरे महाप्रभु भगवान होकर कृष्ण नाम कीर्तन करते हैं, भगवान राम अपने नाम का आश्रय लेकर सेतु बनाकर सागर पार करते हैं, कृष्ण अपने श्रेयंग की सुरक्षा के लिए उन्हीं नामों को तिलक रूप में धारण करते हैं, लेकिन हम ऐसे दुर्भाग्य जीव हैं, हमें भगवत नाम में रुचि नहीं होती। भगवान का नाम जप करने में हमें लज्जा आती है, हमारे मुंह दर्द होने लग जाता है, संसार की बातों में तो बड़ी रुचि लगती है लेकिन भगवान नाम में रुचि नहीं। श्री गुरु नानक जी, आपने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ के देखेंगे, उसके अंदर कहते हैं भयनाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जे जपे सफल होए सब काम। ये कृष्ण नाम कैसा है, बोले भय नाशन दुर्मति हरण। भगवान नाम इतनी शक्ति है, जितने भी संत हुए हैं सभी ने क्या किया है, भगवान के नाम की कीर्ति गाई है। इसलिए क्या करना चाहिए, बोले भगवान के नाम को अपने जीवन में अपनाओ। कृष्ण मनीमन विचार कर रहे हैं कि मेरे को तिलक लगाकर मैया यशोदा ने सुरक्षित तो कर लिया, लेकिन सामने जो पूतना पड़ी हुई है उसका क्या होगा। वहीं से नंद बाबा चलते हुए आए। नंद बाबा देखकर इतने भयभीत हो गए, सोच रहे हैं मैं कोई गलत जगह आ गया ना क्या, कहां से ये राक्षसी आ गई। फिर सोचने लगे कि मैं नहीं था इसीलिए ऐसा हुआ। ब्रजवासी प्रश्न करने लगे कि बाबा एक राक्षसी आई थी ना, कहां से कृष्ण को पकड़कर ले जाने लगी, लगी एक ठोकर और गिरकर मर गई। कोई यहां पर विचार नहीं कर रहा कि कृष्ण ने पूतना को मार दिया। पूतना त्रिगभ्यु थी, विराट उसका शरीर 18 माइल, इतना बड़ा उसका शरीर था, लेकिन 6 दिन के बालक ने इतनी बड़ी राक्षसी को मार दिया, कोई विश्वास करने को राजी नहीं। ब्रजवासी कह रहे हैं कि मर गई तो मर गई, लेकिन हमारे गोकुल और मथुरा का हाईवे जाम कर गई, ट्रैफिक क्लियर करना पड़ेगा, बताओ अभी क्या करें। नंद बाबा कहने लगे कि देखो ये वृक्ष पर गिरी है, लकड़ी की व्यवस्था तो अपने आप ही हो गई, इसके शरीर को जला दो सदगति हो जाएगी। उसी समय पर क्या हुआ है, समस्त ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करकर वहां पर आग लगा दी। लेकिन आग लगाते ही इतना आश्चर्यचकित एक चमत्कार उन्होंने देखा, दैयमानस्य देयस्य अघोर कर्पूर सौरभ
उसके शरीर को जब जलाया है, उसके शरीर से इतनी दिव्य सुगंध निकल रही थी, सारे ब्रजवासी वहां पर एकत्रित हो गए, सबने कृष्ण के दर्शन किए, सब मन ही मन विचार कर रहे हैं कि इतनी सुगंध कहां से आ रही है, कोई सोच नहीं रहा कि इस राक्षसी के शरीर से आ रही है, सब विचार कर रहे हैं कि इंद्र ने स्वर्ग से पारिजात पुष्पों की वृष्टि कर दी, ना किसी ने कोई इत्र छिड़क रखा है, इतनी सुगंध पूरे ब्रजमंडल में फैल गई जिसकी सौरभ को आस्वादन करने के सब ब्रजवासी एकत्रित हो गए और श्री कृष्ण के दर्शन किए, सब ब्रजवासियों की इच्छा संपूर्ण हो गई, श्री कृष्णचंद्र के सुंदर स्वरूप का दर्शन आज सभी ने किया है। पर श्री भक्तवत्सल भगवान की, यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भैया देखो, अगर भजन करना हो ना तो हमारे कृष्ण का ही करो, क्यों, पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना झिंगा सया पे हरे स्तनम दत्वाप सद्गतिम। कहते हैं ये जो पूतना कृष्ण को मारने के लिए आई थी, सर्वप्रथम यदि विचार करें इसका नाम क्या है, बोले नाम है पूतना। पूतना मतलब जो अपवित्र है। बोले चलो कोई बात नहीं, नाम अपवित्र है लेकिन काम तो कोई अच्छा करती होगी। बोले नहीं, लोक बालक नहीं, बोले लोगों का, छोटे छोटे बच्चों का खून पीती थी। बोले काम भी इतना खराब, छी छी, नाम खराब, काम भी खराब, कोई नहीं किसी अच्छे कुल में जन्म हुई होगी। बोले ना, राक्षसी, राक्षसी, राक्षस कुल में जन्म हुई। बोले राक्षस कुल में जन्म हुई है, नाम खराब, काम खराब, कुल खराब, खाद्य अच्छा होगा, आहार सब खाद्य ग्रहण करती होगी, रुधिरासना, रक्तपान करती थी बच्चों का। लेकिन ऐसी दुष्टा को भी प्रभु ने क्या किया, बोले स्तनम तत्वाप सद्गतिम। ऐसी दुष्टा को भी जो कृष्ण के लिए विष लेकर आई थी, ऐसी पापिनी को भी भगवान ने अपने गोलोक वृंदावन में धात्री की गति प्रदान कर दी, धाई माँ की समान गति प्रदान करी। बताओ, तुम वा दयालु शरणम प्रजेमा, ऐसे कृष्णचंद्र के अलावा कौन दयालु होगा। यदि कोई भगवान के लिए विष लेकर आया, उसको ऐसी उत्तम गति प्रदान हुई है, तब कहते हैं कि यदि कोई भगवान की प्रिय वस्तु लेकर आ जाए, वो तो भगवान को मारने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन यदि कोई एक सद्भावना लेकर आए, यदि कोई हृदय में थोड़ी बहुत श्रद्धा लेकर और भगवान की कथा कीर्तन श्रवण करने के लिए आए, कहते हैं उसकी तो महिमा भैया बोला ही नहीं जा सकता। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नो रक्तास्तन मातरो यथा। कहते हैं यदि कोई श्रद्धा पूर्वक आ जाए तो उसकी महिमा तो कहीं नहीं जा सकती। हमारे भगवान कृष्णचंद्र इतने परम दयालु हैं कि जो विष लेकर आई उसको भी इतनी सदगति प्रदान करी। अगर कोई श्रद्धा पूर्वक ये पूतना का प्रसंग श्रवण करे तो क्या होगा, फलश्रुति कहते हैं गोविंद लभते रतिम, भगवान के श्री चरण कमलों में उसकी रति मति लग जाएगी, अगर कोई श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक इस प्रसंग को श्रवण करे। देखो, भगवान की लीला कथाएं जो है प्राय करके हमें शिक्षा देने के लिए ही होती है। इस प्रसंग से तीन शिक्षा मुख्य रूप में ग्रहण करो। सर्वप्रथम, पूतना को भगवान ने गिराया कहां, कहते हैं कंस के बगीचे पर। कंस के बगीचे पर क्यों गिराया, क्योंकि कंस उस बगीचे के फल मूल को अपनी सेवा में लगाता था। भगवान देखो पुराणों में वर्णन करते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्या जगत, ये जो सब कुछ तुम देख रहे हो ये सब चीज मैंने ही सृष्टि करी है। भगवान कहते हैं सब मेरे द्वारा सृष्टि करा हुआ है, तो फिर क्या कर्तव्य है, बोले तेन त्यक्तेन भुजिता, इसको क्या करो, बोले मुझे अर्पण करो। हम जो भी चीज ग्रहण करते हैं उसको भगवान को अर्पण करो, लेकिन ऐसा नहीं प्याज लहसुन अंडा मांस ये सब भी भगवान को अर्पण करेंगे। बोले नहीं, भगवान गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे अगर कुछ अर्पण करना चाहते हो ये चार चीजें दो। बोले क्या, बोले पत्रम, कोई पत्ता दे दो। पत्ता किसने खिलाया, बोले विदुरानी ने, केले का छिलका साग भाजी खिलाई थी ना, भगवान ने उसको ग्रहण किया। पुष्पम, अगर पत्ता नहीं दे सकते पेड़ से तोड़ के फूल दे दो। फूल किसने दिया था, बोले गजेंद्र हाथी ने, जब डूबता हुआ वो हाथी केवल मात्र भगवान को एक कमल पुष्प दिया, उससे ही प्रभु रीछ गए। बोले फलम, फल किसने दिया था, बोले शबरी ने, झूठे फल शबरी के खाए बहुविध स्वाद बताई, केवल फल मुझे प्रदान कर दो मैं उससे भी ग्रहण करूंगा। तो यम, अगर कुछ नहीं दे सकते तो गंगा पानी, साधारण पानी ही अर्पण कर दो, मैं उससे भी ग्रहण करूंगा, लेकिन क्या कंडीशन है, बोले भक्त्या प्रायश्चित, भक्ति पूर्वक।
भक्ति पूर्वक हृदय में भगवान की सेवा वासना भक्ति यदि हो उसके द्वारा हम भगवान को जो भी ग्रहण जो भी अर्पण करेंगे ठाकुर से ग्रहण करेंगे। तो यहाँ शिक्षा है देखो भगवान को भोग लगाकर खाने की। भागवत में आए हो देखो यहाँ से एक चीज लेकर चले जाओ, जो भी कुछ खा रहे हो घर में सात्विक रूप में उसको बनाओ, सात्विक भोजन बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाओ। ठाकुर जी को भोग लगाकर अगर खाओगे, गीता में भगवान स्वयं कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते। अरे हम इतने दुख कष्ट भोग कर रहे हैं उसका कारण क्या है? बोले पूर्व जन्मों में पाप है। अभी भी अगर बिना भोग लगाया भोजन ग्रहण कर रहे हो वो भोजन नहीं पाप स्वरूप है, वो पाप खाकर फिर अपने पापों को बढ़ा रहे हो, आगे जन्मों में भी दुख कष्ट भोग करना पड़ेगा। थोड़ा बुद्धि लगाओ, भगवान ने बुद्धि दी है किस लिए? बोले उनको भोग लगाओ, भोग लगाने से क्या होगा? बोले भुंजन ते तु अगम पापा ये पचंती आत्म करना, भगवान कहते हैं वो पाप नहीं वो अमृत स्वरूप हो जाएगा। उस अमृत को यदि कोई ग्रहण करे तो मंगल ही मंगल बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? ठाकुर को भोग लगाओ। और विशेष करके जो तिलक की महिमा कल हम सुन रहे थे, जिस तिलक को साक्षात कृष्ण भी लगाते हैं उसे हमें लगाने में कोई लज्जा नहीं होनी चाहिए। भगवान का तिलक नाम द्वारा स्थापन करके अपने श्रीअंग को सुरक्षित करो, ठीक है? इस प्रकार कुछ शिक्षा इस प्रसंग के अंदर है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, आगे हम श्री गुरुपाद पद्म के मुख से श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप लोग ताली नहीं हो जाए। लाल की आज के आनंद की जय जय श्री राम। देखो अभी पुतना की कथा सुन रहे थे। जब पुतना आई नंद बाबा को पता चला कि पुतना बड़ी सुंदर सज करके आएगी, लेकिन निकली राक्षसी। नंद बाबा ने बड़ी कड़ी चौकीदारी लगा दी, बोले देखो भैया तेरे गेरे व्यक्तियों के घर में घुसने मत दिया करो, बड़े चौकीदारी कड़ी लगा दी। इतने में श्री भोले बाबा को पता चला ठाकुर जी गोकुल में बाल गोपाल रूप में आए हैं। बोले ठाकुर जी को तो सारे लीला आपने देखी है लेकिन ठाकुर जी का बाल गोपाल रूप में नहीं देखा। जब कृष्ण रोते हैं तब मैया यशोदा उनको खाना खिलाती है, विश्व ब्रह्मांड को जो चलाने वाले मैया उनको अंगुल पकड़ करके ठुमुक ठुमुक करके मैया उनको चलाना चाहती सिखाती है। इसलिए शंकर जी बड़े सुंदर सत लटझट श्रृंगार करके पहुंचे। शंकर जी को कहते हैं ना सत्यम शिवम सुंदर, लेकिन शंकर जी को तो कहते सुंदर है लेकिन ऊपर का जो बेस है देखना बड़ा हो गया है। बोले ऐसे क्यों? शंकर जी सर्दी में क्या लगाते हैं? वो जो पीछे दो बच्चे हैं ना उनको उनको बोले खेलो नहीं, किसकी बच्चे ये है? इसलिए भैया ये मैंने उनको बच्चों को बोलो उछाला नहीं, चुपचाप बैठे। इसलिए यहाँ पर शंकर जी अपना शरीर में क्या मलते हैं? कोई क्रीम नहीं लगाते हैं शंकर जी, क्या लगाते हैं शरीर में? बहुत लगाते हैं। कहाँ के? शमशान के। बोले क्यों? क्या शंकर को कोई मिला नहीं? कोई क्रीम मिला नहीं? कोई स्नो पाउडर मिला नहीं जो शंकर जी शरीर में ये बहुती को क्यों लगाते हैं? तो भैया ये बहुत में बड़ा महत्व है। बोले क्या महत्व है आप देख लेना, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है जब चार व्यक्ति उसको कंधे पर ले जाते हैं आप देखिएगा क्या बोलते बोलते ले जाते हैं। जब तक उसको कंधे पर रखते हैं तब तक क्या कहते? राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात होता है ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन जब उस लाश को नीचे उतार देते हैं ना फिर राम नाम सत्य नहीं संसार सत्य है। इसलिए शंकर जी कहते भैया ये बहुत ही में जब तक इसको कंधे पर रखो ना तब तक क्या कहते हैं? राम नाम सत्य गोपाल नाम सत्य है। इसलिए वो शरीर में लगा करके जगत को शिक्षा देते हैं भैया जिस शरीर को आप इतने क्रीम इतने चवनप्राश और जीव में जा करके बढ़िया शरीर बनाते हो इसका परिणाम एक दिन दो मुठी राख है, दो मुठी इसकी राख है। इसलिए ये शरीर को इतना प्रेम मत करो, प्रेम करना तो श्री बांके बिहारी को प्रेम करो। इसलिए शंकर जी एक शिक्षा देते हैं। दूसरी शिक्षा क्या देते हैं? शंकर जी कोई सोने चांदी नहीं पहने हुए रखते थे, शंकर जी के सारे अलंकार साफ है, सब पहने गले में देखो हाथों में देखो कमर में देखो पूरा श्रृंगार इसकी सर पर है। कहते ये सर पर कौन है? बोले ये शंकर जी की गुरु ये आनंद देव स्वयं। इसलिए दुनिया को शिक्षा देते हैं
अगर अलंकार पहनना है गुरु जी की उपदेश को अलंकार रूप में ग्रहण करो जिसमें तुम्हारी पीड़ा पार हो जाएगी। इसलिए शंकर जी अनंत देव को ही शरीर का श्रृंगार रूप में धारण करके रखे। शंकर जी के सर के ऊपर में कौन सा फूल चढ़ता है? कोई बेली, चमेली, जुई, ये सब फूल नहीं, कहते आकंद और धतुरे के, जो एकदम जहरीले जिसको पेड़ को कोई नहीं लगाते हैं। बोले शंकर जी बढ़िया बढ़िया फूल क्यों नहीं धारण करते हैं? कहते भैया जितने अच्छे अच्छे फूल है मेरे प्रभु वाक्य बिहारी प्रभु राम के लिए, मैं तो उनको सेवक हूँ, अपने आप जंगल में जो चीज हो जाए मैं उसको ग्रहण करता हूँ। इसलिए शंकर जी ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए शंकर जी परम संत है। जो संत है ना वो अपने आप को छुपाने के लिए कोशिश करते हैं, छुपवाना नहीं, वो चाहते छुपाने के लिए। इसलिए शंकर जी जाकर कहाँ पर बैठ गए? कहाँ पर बैठे? पहाड़ के ऊपर में शंकर जी, बर्फ के ऊपर में शंकर जी बैठे हुए। भैया वहीं पर देखना शंकर जी जब उनके ध्यान लगे ना कल्प कल्प तक उनके ध्यान टूटती नहीं। लेकिन जब ध्यान टूटे है ना फिर माता पार्वती को कथा सुनाना लग जाती है। हर समय प्रभु की भजन में ही मस्त रहते हैं। इसलिए शंकर जी अपने आप को छुपाने के लिए कोशिश की लेकिन छुपा नहीं सके। क्यों? शंकर जी को पास में सबसे पवित्र वस्तु है। बता सकते हो क्या पवित्र वस्तु शंकर जी के पास में? कौन बोलेगा? हाथ उठा बोलो जोर से। कौन बोलेगा? बोलो बोलो ना। कोई कहते इनकी सर के ऊपर में पतित पावन श्री गंगा देवी, गंगा जी की जटा के ऊपर गंगा है, ये भगवान की चरणा मिलते हैं। इसलिए शंकर जी अपने आप को कहीं छुपा नहीं सकते, कोशिश तो करते हैं लेकिन शंकर जी छुपा नहीं सकते। इसलिए शंकर जी बड़े सुंदर श्रृंगार धारण करते हुए अलग निरंजन करते करते भगवान को दर्शन के लिए आए। दरवाजा में दरबार गोपी थी। शंकर जी ने बोले मैंने सुना है नंद के लाला भयो है। गोपी ने बोले लाला भयो तो तेरे कहाँ भयो है? बोले लाला का थोड़ा दर्शन करा दो। बोले बाबा कुछ दिन पहले ये पुतना आई थी बड़ी सुंदर सज करके, वो निकली राक्षसी और लाला को तो ले करके चली गई थी। किसी तरह से ठाकुर को कृपा से, नारायण की कृपा से ठोकर लगकर गिर गई और लाला बच गया है। अब तू तो देखने में बेस लग रहे हो, साफ बिच्छू लटकते हुए जटा जूट राग शंकर जी स्वरूप। बाबा तू देखने में तेरे को देख करके मेरा ही घबरा दुआ है और मेरे लाला को तो जल्दी जल्दी नजर लग जाती, लाला को दर्शन नहीं होगा। सोना चांदी जो ले लो अपना रास्ता देखो। जा करके मैया को बोले, बोले मैया कहाँ से बाबा आए हुए? कहते लाला को दर्शन करा दे जिसको देख कर मैं ही घबरा रही हूँ। मैया आई, बोले बाबा कहाँ बात है? बोले मैया बड़े दूर से आया हूँ लाला को एक झलक दर्शन करा दे। बढ़िया आशीर्वाद तुमको तेरे लाला को। बोले बाबा लाला भला दर्शन नहीं होगा, लाला का दर्शन नहीं होगा, जो भिक्षा लेना ले अपना रास्ता दे। बोले अगर लाला को दर्शन नहीं कराओगे ना मैं यहीं त्रिशूल गाड़ के बैठ जाऊंगा, जब तक लाला को नहीं दर्शन मिलेगा इसे हटने वाला नहीं। बोले मेरे चार दरवाजा यहीं बैठ रह जाए, दूसरे दरवाजा निकाल दूंगी। बोले मेरे चार ही रूप हैं, चार दरवाजा पर बैठ जाऊंगा। बोले मेरे 11 दरवाजा है। बोले भैया मेरा भी 11 रूप है, एकादश रुद्र है, तभी तो लाला को निकालोगे तब दर्शन करके मैं जाऊंगा। ए शंकर जी वहीं पर बैठ गए और मैया तो लाला को लेकर घर की कोने में छुपा दी। इतने में शंकर जी कौन है? कहते शंकर जी भगवान के सबसे प्यारे भक्त। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सीर सम को रघुपति व्रतधारी। कहते शंकर जी की जैसे जगत में कौन ठाकुर के भक्त हो सकता है? हर अवतार में शंकर जरूर आते हैं। भगवान राम रूप में आए तो गोस्वामी जी कहते हैं रुद्र देहत जी नेह बस बानर भय हनुमान। शंकर जी ने जब देखा रुद्र शरीर से मैं सेवा नहीं कर सकता हूँ, शंकर जी हनुमान बन कर गए, ठाकुर को सेवा कर रहे। जब कृष्ण अवतार में आए कल सुनेंगे, शंकर जी गोपीश्वर महादेव बनकर के आते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए ये स्वयं सदाशिव बनकर के आते हैं और भगवान को गोलोक वृंदावन से प्रकट करा देते हैं शंकर जी। ऐसे शंकर जी की भक्ति है। शंकर जी वहीं पर बैठ करके बोले प्रभु बड़े दूर से आया हूँ,
तेरे सारे अवतार ने देखा लेकिन तेरे ये बाल गोपाल को दर्शन नहीं किया, एक झलक दर्शन करा ले। ठाकुर जी बड़े भक्त वत्सल है। इतने में कृष्ण रोना शुरू कर दिए और मैया जितने थपथपी लगाए ना उतना जोर से कृष्ण रोना शुरू कर दिया। पूरा परिवार उनको पूरा तंग कर दिए लेकिन रोना ही बंद नहीं हो रहा है। इतने में किसने जाकर के बोले मैया वो जो बाबा है ना वो आंख बंद करके बैठा हुआ है, लगता है तेरे लाला के ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है। कहते लाला को दर्शन नहीं कराओगे तो मैं उठने वाला नहीं, जाओ लाला को दर्शन करा दो। अरे मैया काले कपड़े से बोल करके मोटी मोटी काजल लगा दी, काजल का बूंद लगा दी, काले कपड़े ओढ़ करके लाई। बोले बाबा तू बड़े अखड़ है, ले लाला को दर्शन कर। एक झलक जब लाला को दर्शन कराए ना इतने में कृष्ण जो रो रहे थे ना वो खिलखिला करके हंसने लग गए, खिलखिला करके हंसने लग गए। और शंकर जो हंस रहे थे रोना शुरू कर दिया। मैया समझ गई बाबा कुछ जानता है, क्योंकि लाला का रोना देख करके अपना हंसना ले लिया, मतलब ये बाबा कुछ जादू टोना जानते हैं। अगर माताओं को पता चला ना बाबा कुछ जानते हैं, हाथ देखना जादू टोना, सब घेर जाते। बोले बाबा हमारे थोड़ा हाथ देख लो, हमारे लाला का भविष्य थोड़ा बता दो क्या होने वाले हैं, हमारे लाला को बड़े बड़े जल्दी नजर लगी जाती है, कोई उपाय है? बोले एक काम करोगे ना कभी लाला को नजर नहीं लगेगा। बोले बताओ। बोले जब तुम लाला को स्नान कराओगे तो जो पानी है मेरे सर के ऊपर ला कर डाल देना, क्योंकि जो गंगा है कौन, ये ठाकुर जी के चरणा मृत है। शंकर जी भी सबसे प्यारे ठाकुर की चरणा मृत है ना, कांवरे लोग कंधे पर गंगा पानी ले जाते हैं ना, शंकर जी के सर पर डालने के लिए। गंगा कौन है? बामन देव का चरणा मृत है। बोले ये चरणा मृत मेरे सर पर डाल देना। बोले और कुछ करना पड़ेगा? बोले जब ठाकुर जी को तुम कोई भोग लगाओगे वो जो प्रसाद बच जाएगा मेरे को ला करके देना, वो प्रसाद दे देना। अगर आप अभी भी नंदगांव जाओगे ना देखोगे जो ठाकुर को स्नान कराते हैं कृष्ण को, वो सीधा वो चरणामृत आता है शंकर जी के सर के ऊपर में सीधा चरणामृत डालते हैं। और जो ठाकुर जी को कोई चीज भोग लगती है वो सीधा आता है भगवान शंकर जी के पास में, शंकर जी फिर उसको पाते हैं, फिर दुनिया को ये चीज फिर मिलती है। क्योंकि भगवान को जब कोई चीज भोग लगे वो प्रसाद हो जाता है, वही प्रसाद जब श्री किसी भक्त को भोग लगे ना वो प्रसाद नहीं महा महा प्रसाद हो जाता है। इसलिए जब शंकर जी पाते हैं वो महा महा प्रसाद हो जाता है, प्रसाद की महिमा बढ़ जाती है। देखो एक चीज सीख करके जाओ, कोई भी चीज डायरेक्ट माता जी को भी मत भोग लगाया करो, शंकर जी को भी मत लगाओ और हनुमान जी को भी नहीं लगानी चाहिए। जैसे हनुमान जी को लड्डू लेकर के मुंह में कभी कभी ठोसते, हनुमान जी लड्डू खा लो, भैया हनुमान क्या भूखे हैं तुम्हारे लड्डू के लिए बैठे हुए? आप देखना जब तक प्रभु राम को भोग नहीं लगेगा हनुमान जी कुछ लेते हैं? भले ही जितने लड्डू रख लो, ठाकुर जी कुछ भी हनुमान जी नहीं लेते हैं, लेकिन जब प्रभु राम को भोग लग जाएगा ना फिर हनुमान को देने का जरूरत नहीं, लपक करके ले लेते हैं, लपक करके लेते हैं। इसलिए शंकर जी जैसे माता जी ये परम वैष्णवी है, जब तक ठाकुर जी को कोई भोग नहीं लगता है ये माता जी भी कोई चीज ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए कोई चीज जब भोग लगाओ डायरेक्ट शंकर जी को नहीं, हनुमान जी को नहीं, गणेश जी को नहीं, माता जी को नहीं, सबसे पहले कृष्ण हो नहीं तो राम हो, इनको सबसे पहले भोग लगाओ, इनको सबसे पहले भोग लगाओ। फिर ये प्रसाद जब इनको देंगे ना ये बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अब जगन्नाथपुरी गए हो? कौन कौन जगन्नाथपुरी गए? देखना वहाँ माता जी की मंदिर विमला देवी जो उनकी बाहन पीठ है उनकी चरण गिरा हुआ जगन्नाथ मंदिर में, माता जी कैलाश छोड़ करके जगन्नाथ जी को प्रसाद पाने के लिए वहीं पर बैठी है। जब जगन्नाथ जी को वो भोग लगता है वो सीधा वो प्लेट माता जी की मंदिर में आएगी, माता जी खाएगी फिर दुनिया में फिर प्रसाद वही खाते, नहीं तो नहीं खाते। अब वहां पर भुवनेश्वर जाओगे वहां पर शिवलिंग है, लिंगराज मंदिर, अभी कुछ माता जी गई थी, पृथ्वी में सबसे बड़े शिवलिंग वहीं पर देखोगे। और एक शिवलिंग में देखोगे गंगा जमुना की धार, हरि हरे एक स्वरूप है, वहां पर देखिएगा सबसे पहले श्री जगन्नाथ जी को भोग लगता है, वो प्रसाद है शंकर जी को पास में आता है, फिर दुनिया को मिलता है। इसलिए भगवान को भोग लगा करके हर चीज ग्रहण करनी चाहिए, देवा देवियों को देनी चाहिए।
बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की, बोले श्री भोले बाबा की जय जय श्री राम की। हाँ देखो कल है कथा में श्री अन्नकूट महोत्सव है, भागवत कथा में अन्नकूट महोत्सव का बड़ी महत्व है। ये स्वयं गिरिराज ने वरदान दिया है, ये अन्नकूट महोत्सव में जो एक अन्न का दाना भोग में लगा देते हैं किसी जीवन में उनके घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगा, ये स्वयं गिरिराज आशीर्वाद दिया है। इसलिए विश्व ब्रह्मांड बांके बिहारी की पूजा करते हैं, लेकिन ये बांके बिहारी पूजा किसको की, बोले गिरिराज को। विश्व ब्रह्मांड बांके बिहारी को परिक्रमा करता है, कल हम सुनेंगे बांके बिहारी स्वयं ब्रजवासियों को लेकर उन्होंने परिक्रमा लगाया। विश्व ब्रह्मांड भगवान को धारण करते हैं, लेकिन कृष्ण ने हाथ में किसको उठाए, उन्होंने बोले श्री गिरिराज को भक्त अनुभव में उठाए, बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। इसलिए आप लोग गिरिराज गए हो, कौन कौन गिरिराज गए हो, वहां पर एक आश्चर्य चीज देखने कि ना गिरिराज शिला के ऊपर शिला रखा हुआ देखोगे, बोले क्यों, बोले जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए ना वो गिरिराज शिला के ऊपर जितना शिला रख दो उतना मंजिली मकान गिरिराज ले देते हैं। वहां पर देखना पेड़ में धागा बंधा हुआ देखोगे, दूध की धारा से परिक्रमा लगती है, बोले क्यों, बोले जिनकी संतान किसकी शादी नहीं होती है, जिनकी नौकरी चाकरी नहीं लगता है, गिरिराज को जाकर के जो चीज प्रार्थना करो गिरिराज जी सारे इच्छा को गिरिराज जी पूरी कर देते हैं। इसलिए अन्नकूट महोत्सव की बड़ी महत्व है। इसलिए कल आप लोग अपना घर से कुछ ना कुछ बना कर लाओ, कोई थोड़ा हलवा हो नहीं तो पूरी सब्जी हो, बगैर प्याज लहसुन के शुद्ध रूप में जो बढ़िया से बढ़िया बनाते उसको बना करके लाना। कल गिरिराज की भोग लगेगा, गिरिराज की हम लोग परिक्रमा करेंगे और गिरिराज की कल गिरिराज की उत्सव मनाएंगे, ठीक है। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। अरे जोर से बोलो, बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। जय जय श्री राम। हाँ देखो अभी राधा रानी आने वाली है, राधा रानी को सजाया, सजाया ना। हाँ देखो अभी राधा रानी आने वाली है, अभी हम लोग राधा रानी की जन्म महोत्सव को अभी हम मनाएंगे। देखो आप वृंदावन आप गए हैं, देखना वहां पर सबके सब श्री राधा रानी के नाम लेते हैं। इसलिए कुछ कुछ लोगों का प्रश्न है, बोले भैया आप इतने राधे 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 बोलते रहते हो, ये भागवत ग्रंथ में राधा जी का नाम फिर क्यों नहीं है, कुछ लोगों का प्रश्न है। आप डायरेक्ट पढ़ कहीं राधा जी का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे गौड़ी और टीकाकार लोग कहते हैं, बोले भैया भागवत में तो राधा जी का नाम के सिवाय और कुछ है ही नहीं, इसमें तो केवल राधा जी का ही नाम और उसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये ग्रंथ का नाम क्या है, बोले श्रीमद भागवत। बोले श्रीमद मतलब क्या है, बोले श्री मतलब होता है लक्ष्मी, मूल लक्ष्मी श्री राधा रानी, और मद मतलब होता है प्रेम, कहती है राधा जी की प्रेम ही ये श्रीमद भागवत है। बोले प्रश्न करते हैं भैया फिर भागवत में राधा जी के नाम क्यों नहीं, हमारे टीकाकार ने उसका कुछ रहस्य बताया। पहला कारण बताए, जब श्री सुखदेव गोस्वामी एक बार राधा जी का नाम को लेते थे, बोले राधा नाम उच्चारण मात्रेण षडमासिक मूर्छा भवे, जब ये एक बार राधा जी का नाम लेते थे 6 महीना तक बेहोश हो जाते, बोले भैया अगर 6 महीना तो बेहोश हो जाऊंगा 7 दिन में कथा कैसे सुनाऊंगा, इसलिए उन्होंने भागवत में राधा जी का नाम को नहीं लिए, पहला कारण। दूसरा कारण है श्री सुखदेव गोस्वामी राधा रानी से प्रश्न की, बोले हे राधे आपका नाम को ये भागवत ग्रंथ में किस रूप में लू, राधा जी का आदेश था, देखो मेरे नाम को कहीं डायरेक्ट नहीं लेना, लेना तो मेरे नाम को छुपा करके लिया करो। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहीं श्री कहीं बधु कहीं उन्होंने ता कहीं सा कहीं उन्होंने गोपी रूप में नाम लिया, लेकिन राधा जी का नाम को स्पष्ट रूप में उन्होंने ग्रहण नहीं किया, ये दूसरा कारण है। बोले तीसरा कारण क्या है, जैसे बोले भैया यहाँ पर राजा आए, लेकिन जब राजा आते हैं क्या अकेला आएगा, राजा राजा को भी अकेले नहीं आते,
वो पूरा संन्यास आमंत्रण को लेकर के आते हैं। बोले बोले कृष्ण आए, कृष्ण क्या अकेले आएंगे? अकेले कृष्ण नहीं आए, वो पूरा के पूरा उन्होंने ब्रजवासी राधा रानी ब्रज गोपी सबको लेकर के ठाकुर जी यहाँ पर आए। वो अकेले नहीं आए, राधा रानी को भी साथ में लेकर के ठाकुर जी आए। इसका चौथा कारण बताए, कोई चीज अगर छुपा करके रखो ना, देखना कोई स्त्री भले ही देखने में असुंदरी हो, अगर घूंघट खींच करके चलती है, घूंघट ओढ़ करके चलती है, आप देखना दुनिया उसको देखने के लिए कोशिश करेगा, कैसे देखने में। लेकिन जितने सुंदरी क्यों नहीं हो, अगर घूंघट निकाल करके चलती है, भाई भैया इसमें कितने चलती रहती रास्ता में। इसलिए जो चीज को छुपा करके रखोगे वो चीज की महत्व है। इसलिए उन्होंने राधा जी का जो नाम है, कृष्ण भी जिन्हें राधा रानी के चरण की सेवा करती है, इसलिए उन्होंने छुपा करके सुखदेव गोस्वामी रखे। जैसे पिपरमेंट कोई सेंट होना, ठीपी को खोल तो उड़ी जाएगी, लेकिन बंद करके रखो तो उसमें रहेगी। उसलिए जो प्रेम को जितने हृदय में छुपा करके रखोगे ना, कृष्ण भी जिनकी चरण की सेवा करते हैं, इसलिए उन्होंने राधा जी का नाम को स्पष्ट रूप में नहीं लिया। इसका पंचमा कारण बताए, जैसे मेहंदी पत्ता, आप लोग मेहंदी लगाते हो? कौन कौन लगाते हो मेहंदी? सब लगाते हो मेहंदी पत्ते? देखे हो आप लोगों ने मेहंदी पत्ते? देखे हो आप? बताओ मेहंदी पत्ते देखने में कैसे? अरे ना, लेकिन क्या सचमुच वो हरा ना लाल है? लाल है ना, लेकिन ऊपर से क्या दिखती है? हरे हरे, लेकिन उसको पिसो तभी वो हरा हरा दिखेगा, लेकिन जब हाथ में लगा तो फिर सूख जाती है, क्या रंग हो जाता है? इतना लाल हो जाता है, फिर महीना तक हाथ से लालिमा नहीं जाती। इसलिए भागवत को ऊपर ऊपर से देखोगे ना, कृष्ण 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 देखेगा, लेकिन जब अंदर में देखोगे बोले आत्मा तो राधिका है वो, लेकिन भागवत के अंदर में जब झांक करके देखेंगे वहां राधा रानी के सिवाय वहां पर और कुछ मिलेगी नहीं, बोल श्रीमती राधा रानी की। उसका छठवां कारण बताए, कि जो कृष्ण भक्ति है, एक 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 बहता हुआ नदी, जैसे बहता हुआ नदी का पानी सब पी सकते हैं, हाँ पी सकते सब, इंसान जानवर पक्षी सब पी सकते हैं, लेकिन उसमें कोई कपड़ा धो रहे हैं, गैया भी स्नान कर रहे हैं, कोई उसमें हर तरह उसमें पवित्र नहीं होती है, लेकिन देखना कुएं में जो पानी होता है वो एकदम निर्मल ठंडा पवित्र होता है। कहते जो कुएं का पानी राधा जी की भक्ति, और जो बहता हुआ जो नदी ये कृष्ण भक्ति है। कृष्ण भक्ति सब तो कर सकते हैं, लेकिन राधा जी की भक्ति इतने आसान नहीं, राधा जी की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। इसलिए हमारे गोस्वामी कहते हैं, बोले ब्रह्मे स्वराज सुदुरु पदार बिंद, जिनकी चरण कमल ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है, शंकर के लिए भी दुर्लभ है, उद्धव के लिए दुर्लभ। अगर कभी कभी राधा रानी मान कर लेना, राधा रानी के चरण बांके बिहारी के लिए भी कभी दुर्लभ हो जाता है, बांके बिहारी के लिए कभी दुर्लभ हो जाता है। राधा रानी जो मान करती है ना, कहती है आज मैं कोई काले व्यक्ति को देखना नहीं चाहता हूँ, कोई सामने काले व्यक्ति नहीं आने चाहिए, ये जो भुरुरु है ना वो भी काली, बोले चंदन से इसको भी सफेद कर दो, चोटी भी काली, बोले फूल से उसको काला से सफेद कर दो, आज किसी काले व्यक्ति को घुसने मत देना। कृष्ण भी कभी कभी वृंदावन में गए ना, सेवा को जो देखोगे, सेवा को जो क्यों नाम पड़ा, जहाँ स्वयं परात्पर तत्व परम ब्रह्म, जहाँ पर राधा रानी के चरण की सेवा की थी, वो स्थान का नाम पड़ गया सेवा कुंज नाम पड़ गया। इतने राधा रानी के चरण की दुर्लभ है, इसलिए राधा जी की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। कहते भैया ये कुएं का पानी है, लेकिन कुएं का पानी कौन पी सकता? जिसको पास में कोई रस्सी हो, कोई पात्र हो ना, वही व्यक्ति ही कुएं का पानी पी सकता है। तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य है, जब तक हम किसी रस्सी के संप्रदाय में नहीं जुड़ते हैं, किसी भक्ति संप्रदाय में नहीं जुड़ते हैं, जिस संप्रदाय में विशेष करके राधा रानी की सेवा हो, राधा रानी की ही भक्ति हो, जब तक ऐसे संप्रदाय से नहीं जुड़ेंगे, भैया राधा जी की भक्ति हमें नहीं मिलने वाले हैं। अगर हमें भक्ति बना तो हमें क्या करना पड़ेगा? शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में, जिस संप्रदाय में राधा जी को
मुख्य रूप में भक्ति की जाती है। अगर उसी संप्रदाय में मिलेंगे तो फिर राधा जी की भक्ति मिलेगी, लेकिन जिस संप्रदाय में भगवान को निराकार मान रहे ठाकुर ही नहीं है, फिर अगर वहां जुड़ेंगे फिर राधा जी कहाँ मिलेंगे, मिलेंगे कहाँ राधा रानी। इसलिए हमें किसी शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में हमें मिलना पड़ेगा, तभी मिलेगा। इसलिए भागवत में राधा जी का नाम कहीं स्पष्ट रूप में नहीं दिखती है। अभी राधा जी की जन्म कथा सुन लो। अभी श्री वृषभानंद महाराज जी घर में एक बेटा है, लेकिन उनके घर में कोई बेटी नहीं, लेकिन वृषभानंद महाराज की मन में इच्छा घर में एक लाली जन्म हो। अब देखिएगा, जब घर में कोई बेटी जन्म होना, दुनिया कहते हैं घर में लक्ष्मी आई है, कौन आई है, लेकिन कोई बेटा आए कोई कहता है नारायण आया है, कोई कहता है नारायण आया है, लेकिन जब बेटी आई दुनिया क्या कहते हैं, लक्ष्मी आई। देखना, जब बेटी की जब हम शादी करते हैं उसमें मंत्र पढ़ते हैं, वो लक्ष्मी रूपा मान करके उनको दान दी जाती है, और जो बेटी वाला का हाथ ऊंचा रहता है और बेटा वाला का हाथ क्या रहता है, नीचा रहता है ना। इसलिए बोले जो कन्या दान को सर्वश्रेष्ठ बताया, लेकिन अभी दुर्भाग्य का विषय है, अगर घर में अगर बेटी आ जाए ना, पहले तो नाना नानी की अवस्था खराब हो जाती है, घर में बेटी कैसे आ गई, लेकिन घर में बेटा आए तो बड़े खुश हो जाते हैं, बोले नहीं भैया बेटी लक्ष्मी है, बेटी लक्ष्मी है बेटी। अगर दुनिया में बेटे बेटे हो जाए, घर में अगर बेटी नहीं हो, बताओ ये दुनिया रहेगी कि नहीं, ये दुनिया रहेगी, अगर दुनिया बेटा बेटा हो गया दुनिया रहेगी बताओ, नहीं रहेगी। इसलिए भैया बेटा भी होनी चाहिए बेटी भी होनी चाहिए, घर में कहते ना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज मेरे पास में, आज तक हम एक जज के घर में गए थे, वो भी माता जी थी मैया थी, और एक जज मेरे साथ में मिलने के लिए आई थी, वो भी माता जी थी, दोनों ही माता जी थी। मैंने देखो लड़कियां कितने विद्वान, देखो हाँ देखो ये जज बन करके बैठे हुए, ये जज बन करके बैठे हुए, उनको बोला था कथा में आने के लिए, शायद आएगी नहीं वो। इसलिए ऐसे नहीं, बेटी पढ़ाओ और बेटी क्या करो, बेटी बचाओ। इसलिए वृषभानंद महाराज सोच रहे भैया घर में बेटी होनी चाहिए, हैं बेटी होनी चाहिए, लेकिन घर में एक ही बेटा। एक दिन वृषभानंद महाराज एकदम ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान करने गए थे, देखा एक सतदल कमल फूल के ऊपर में बड़ी सुंदरी प्यारी एक बच्ची किलकारी मारते हुए और जिनकी ज्योति चतुर्दिग में उद्भासित हो रहा था, बड़े सुंदर एक लाली बहते हुए अंगूठा को चूस रहे कीटर मारते हुए, और वो बहते बहते यमुना में आ रही है। जब वृषभानंद महाराज पानी में उतरे, वो बेटी इनको पास में आ गई, और इतने में वृषभानंद महाराज वहीं से श्री राधा रानी को उन्होंने गोद में उठा लिया, बोले श्रीमती राधा रानी की, और उन्होंने अपना पत्नी जो कीर्तिका थी, बोले देख कीर्तिका तुम सोच रहे इतना घर में बेटी आनी चाहिए, देखो ठाकुर ने एक बेटी दिया। अभी कीर्तिका सुंदरी बड़ी लाड़ प्यार से बेटी को लालन पालन कर रही है। इतने में नारद जी ने देखा, कृष्ण तो आए लेकिन कृष्ण कभी अकेले नहीं आए, वो राधा जी को साथ में आए, अकेले नहीं आते हैं, जरूर राधा कहीं जन्म हुई, कहाँ पर है, ब्रज की गली गलियों में भ्रमण कर रहे हैं, हर घर घर में जाकर के पूछ रहे हैं, कभी बेटी हुई है बेटी हुई है, कहीं पर ललिता विशाखा चंपक लता हुई है, लेकिन अभी कृष्ण राधा रानी नहीं मिल रहे। भ्रमण करते करते रावल में जब आए, वृषभानंद महाराज से पूछे घर में कोई संतान भयो है, लेकिन उन्होंने श्रीदाम भैया को दिखाया लेकिन बेटी को नहीं दिखाई, क्यों, बेटी गंगा जमुना से मिली है ना। वृषभानंद महाराज बोले घर में कोई बेटी हुई कि नहीं, चुप हो गए, बोले बताओ ना, बोले हाँ घर में एक बेटी भी हुई है, बोले ले करके आओ। जब ले करके आए, उनको देखते ही तो पहचान गए, भैया यही तो कृष्ण की यही पूर्ण शक्ति लातिन शक्ति पराशक्ति स्वरूप शक्ति श्री राधा रानी, बोले श्रीमती राधा रानी की। देखो ये जो राधा रानी है ना, कहती राधा रानी कौन है, ये राधा रानी है कौन, बोले राधा रानी सर्वशक्ति भरी ऐसी, जितने जो शक्ति है, जितने देवी उमा रमा सत्य सची चंद्रा रुक्मिणी ये दुर्गा ये सब कहाँ से प्रकट होती है, बोले श्रीमती राधा रानी से, जो मूल शक्ति भगवान की लादिनी स्वरूप शक्ति श्री राधा रानी। जब हम श्री राधा रानी को पूजा करते हैं,
जितने शक्ति सबकी बुझा हो जाती है, क्योंकि उनसे ही जितने शक्ति प्रकट होती है। बोले ये कृष्ण कौन है, बोले जितने ठाकुर जी के अवतार है ये सबके सब भगवान कृष्ण से ही प्रकट होते हैं। इसलिए जब हम राधा कृष्ण को पूजा करते हैं ना, विश्व ब्रह्मांड की पूजा अपने आप हो जाती है। फिर हम अलग रूप में इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं, क्यों जगत में 33 करोड़ देवता है, एक को मनाओ दूसरे मुंह फुला कर बैठ जाएंगे, तीसरे को मनाओ चौथा मुंह फुला कर बैठ जाएगा, इसको छोड़ो दूसरे पीछे लग जाएगा। लेकिन जो बांके बिहारी जी राधा जी की शरण में आ जाते हैं ना, ध्यान देकर समझो, अगर इनकी शरण में जो आ जाते हैं ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उसने सबको एक एक पोस्ट देकर रखा है, किसको अग्नि मंत्री, किसको वायु मंत्री, किसको रेल मंत्री, सबको उसने देकर रखा है। अगर कोई मोदी को पास में जैसे अमित शाह है, उसका डान हाथ है, उसका पीछे कोई पड़ेगा? उसको पता भैया अगर इसको पीछे पड़ो ना अपना नौकरी चली जाएगी, क्योंकि उसको शरण में ये है। कहते उसी तरह जब हम कृष्ण शरण में नहीं जाएंगे, ये जितने सारे देवता तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब किसको पता चला भैया ये बांके बिहारी की शरण में है ना, कोई भी डर तुम्हारे तुम्हारे पास नहीं आएगी। इसलिए कहते हैं जा पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सबको। ये चीज को समझो, जब हम श्री किशोर की राधा जी की चरण में आ जाएंगे, जितने अनंत करोड़ देवियां अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मूल शक्ति राधा रानी है। कृष्ण भी जिनको आराधना करते हैं, और जब कृष्ण की शरण में आ जाते हैं सारे देवा देवी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री नारद जी हैं, नारद जी देख करके समझ गए, नारद जी सोच रहे थोड़ी सी राधा जी को मैं स्तुति करूं, उन्होंने बहाना बनाया थोड़ा फूल लेकर के आओ तुम्हारी बच्ची को हम आशीर्वाद देंगे, स्वस्ति वासना पढ़ करके। जब वृषभानंद महाराज कृतिका सुंदरी अंदर में गए ना, इतने में राधा रानी किशोरी बन गई, एकदम राधा रानी प्रकट हो गई वहां बड़ी बैठ करके। ललिता विशाखा सखियां प्रकट हो गई, इतने में ललिता कहती है नारद जी क्या देख रहे हो, जल्दी जल्दी राधा जी को स्तुति करो, नहीं तो राधा रानी अंतर ध्यान हो जाएगी, राधा रानी अंतर ध्यान हो जाएगी। इतने में नारद जी बड़े सुंदर गाए, देखो ये स्तुति का नाम है राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, मतलब है ये स्तोत्र को जो गान करेगा ना उसको ऊपर में राधा जी की जरूर कृपा होगी। कहते ये स्तोत्र की इतने महिमा, अगर राधा कुंड में कोई खड़े होकर के पानी में 108 बार के स्तोत्र को पढ़े, राधा रानी स्वयं राधा कुंड से प्रकट होती है, राधा रानी ने तो स्वयं राधा जी प्रकट होकर के वो व्यक्ति को दर्शन देती है। इतने इसके मैं दो लाइन में पढ़ता हूँ, आप लोग मेरे पीछे भी बोलो, बोले मुनिन्द्र बिंद बंदित त्रिलोक शोक हारी प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज भू विलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोन संगते कदा करिष्यसीयना कृपा कटाक्ष अशोक वृक्ष वल्लरी विकान मंडप स्थिते प्रवाल बाल वल्लभ प्रवायुनान्द्रिकोमले वराभयस्फुरन्तरे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि यमा कृपा कटाक्ष भाजनम् महेश्वरी त्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रणोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजादिते श्रियादिके नमोस्तुते ब्रजेश्वरी व्रजादिते श्रीराजिके नमोस्तुते। हमने ये स्तुति को पढ़े, इतने में राधा रानी बोले देखो फिर तुम्हें मैं गिरिराज तलेट में फिर मैं दर्शन दूंगी। इतने में राधा रानी अंतर ध्यान हो गई, वही छोटी बच्ची बच्ची हो गई, नारद जी प्रेम में गदगद हो गए। आज
जीवन धन्य हो गया श्री किशोर जी की दर्शन करते हुए। इतने में वृषभ भानु महाराज थोड़ी सी फूल लाए, नारद जी ऊपर से थोड़ी सी स्वस्ती वासना करते हुए बच्ची को आशीर्वाद दिए। इतने में जब आशीर्वाद दिए वृषभ भानु महाराज, नवदास जी नंद बाबा को दिए, बोले मेरे घर में लाली भाई हो, हरे कृष्ण राधा रानी बन गई, रेडी हो तो उधर से लेकर के आओ। इसलिए इतने में श्री नंद बाबा को निमंत्रण दिए। नंद बाबा जब आए अपना लाला कन्या को लेकर के आए, और राधा रानी जन्म से आंख बंद करके रखी थी, बोले सबसे पहले मैं अपना प्रियतम को देख करके दुनिया को मैं देखूंगी। नंद बाबा कन्या में लाए, और जिस पलना में श्री किशोर जी लेट हुई थी ना, उनको पास में कृष्ण को भी लेटा दिया। जब कृष्ण को लेटा दिया, इतने में कृष्ण अपना हाथ को श्री राधा रानी के ऊपर रख दी। राधा रानी कृष्ण का हाथ का स्पर्श पा करके भगवान की शरीर कैसे है, बोले करोड़ चंद्रमा से भी ज्यादा कोमल ठाकुर जी की शरीर है। जब उनके हाथ का स्पर्श राधा जी को मिला, राधा रानी का रोम रोम खिली उठा, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग गई, समझ गई मेरे प्रियतम मेरे पास में आ गए। इतने में उन्होंने आंख को खोल दी, और आंख खोले तो सबसे पहले श्री कृष्ण को उन्होंने दर्शन की। वृषभानु महाराज का उत्सव कर रहे थे, लेकिन मन में थोड़ी सी दुख था। क्या था, बोले बेटी तो हुई है, पता नहीं ये जन्म से अंदर अंदर भी क्या चिंता करती रहती है। किसको चिंता कर रही थी, बोले कन्हैया को चिंता कर रही थी। आज कन्हैया आ गए तो उन्होंने आंख खोल दिए। वृषभानु महाराज जितने उत्सव जोर से कर रहे थे, तो उन्होंने बढ़िया से राधा रानी को उन्होंने जन्म उत्सव किए। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभानु महाराज की, बोले श्री कृतिका सुंदरी की। मैं जाओ को लेकर के आ जाओ, कोई है यहाँ पर? उनको बोले पीछे से, उनको पीछे से लेकर के आए। हाँ प्रभु जी, अभी राधा रानी की बधाई गा के देखो। राधा रानी के उत्सव में जो नृत्य करते हैं ना, राधा रानी कौन है? लक्ष्मी है। उनके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, क्योंकि कृपा तो राधा रानी करती है, लक्ष्मी तो उनकी कृपा से मिलती है। हाँ देखो, कल मैं बोल रहा था, हाँ जिनकी इच्छा होगा हम माला जप करेंगे, ध्यान देकर देखो, जिनकी इच्छा होगा हम माला जप करेंगे। हम दो तरह से माला देते हैं, एक तरह से माला देते हैं जो प्याज लहसुन छोड़ देता है, मांस मछली नहीं खाते हैं, फिर हम उसको तुलसी माला देते हैं, गले में भी तुलसी की कंठी देते हैं। लेकिन जो बोलेगा हम धीरे धीरे ये सब चीज को छोड़ेंगे, एक साथ में छोड़ नहीं सकते हैं, फिर हम उसको नीम की माला देते हैं। बोले नीम की माला देते, बोले इसमें हरिनाम करो, धीरे 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 कोशिश करो, गंदी चीज छूट जाए, प्याज लहसुन छूट जाए, उसको बाद में फिर हम उसको तुलसी माला देते हैं। जिनकी इच्छा होगी हम माला जब करना चाहते हैं, ये कथा को बाद में अगर यहाँ आओगे तो आपको हम एक एक माला दे देंगे। आप एक एक माला को लेकर के हरिनाम करना, ठीक है? अभी दो मिनट बैठ कर हरिनाम कर लो मेरे साथ में। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 राम।
राधा रानी को आगे आने दो, उसके बाद में सब उठकर नृत्य करना। राधा रानी को आगे आने दो। सब बैठ जाओ, सब राधा रानी आ रही है। आ जाओ लेकर के आ जाओ। तो श्रीमती राधा रानी की जय। ओ आई लाली आई बाबा के घर लाली आई। Yeah.
Hare Krishna,
ये भकुरानी दर्शन के प्यासे आ गए किनारे जय जय श्री राधे सारा संसार
करेगा श्यामा तेरी आरती का नैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के श्यामा तेरी आरती कंदिलाना तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के श्यामा तेरी करेगा कर जोड़े सिर पर सोना मुकुट विराजे गल में जलती माला साजे और फूल के हार करेगा कर जोड़े श्यामा तेरी Thank you.